हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अकेडमी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हेलो 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 माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अकेडमी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अकेडमी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अकेडमी एंड दिस इज शकील पठान। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। सो वेलकम यू ऑल ऑन इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अकेडमी एंड दिस इज शकील पठान। लेट्स स्टार्ट टुडे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अवर रिचुअल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रियोलॉजी and behavior of fluid. So we'll study about the type of fluid like Newtonian fluid and all the rheological fluid. So सबके बारे में आज हम लोग study करेंगे. So start from our ritual. You are on India's largest online platform Unacademy and this is Shakil Pathan. अगर अभी तक हमारा आपने Unacademy learning app download नहीं की है, so you can download this app, because जब आप इस app को download करेंगे तो आपको बहुत ही better future यहाँ पर feature में यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर मिलता है डेली लाइव क्लासेस। तो जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनको पता है वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन स्टूडेंट को नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो दो तीन मिनट लगेंगे, यू कैन हियर इट। अगर आप डेली लाइव क्लासेस देखते हैं तो डेली लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और यहाँ पर एक फीचर होता है पोल्स ऑर्गेनाइज करा सकते हैं आपके एजुकेटर, उनके आप आंसर लाइव पोल में दे सकते हैं। उसके साथ सर आपको यहाँ पर मिलता है लाइव टेस्ट और क्विजेस। लाइव टेस्ट से आप अपनी परफॉर्मेंस को डेली इवेल्युएट कर सकते हो, इन्हांस कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस इंक्रीज कर सकते हो, अपनी क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो टेस्ट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो हर एक कोर्स के बाद आप टेस्ट दे सकते हो और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं आपको इस ऐप के थ्रू। इसके साथ सर अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो जितने भी प्लस कोर्सेज हैं, जितने भी हमारे बैचेस चल रहे हैं, इनके अंदर जो कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज फैशन में प्रोवाइड किए जाते हैं। जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, जो टॉपिक पहले पढ़ाना है वही पढ़ाया जाएगा, जो बाद में पढ़ाना है वही बाद में पढ़ाया जाएगा, तो बहुत ही ऑर्गेनाइज फैशन में क्लासेस चलती है। उसके साथ सर आपको DPP शीट वगैरह भी सॉल्व कराई जाती हैं, उसके साथ हर वीकेंड टेस्ट भी लिए जाते हैं। ये सब प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स हैं। इसका असर आपको यहाँ पर मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। वंस यू गेट अ सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, यू विल गेट ऑल अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल द लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस ऑन अनअकैडमी। जितनी भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं उन सबका आपको एक बार में एक्सेस मिल जाता है। जैसा कि आप लोग सब जानते हो, ऑन अनअकैडमी वी हैव लार्जेस्ट एजुकेटेड टीम एंड ऑन अनअकैडमी वी हैव अ टॉप एजुकेटेड टीम, ठीक है। तो आप जब अनअकैडमी पर आते हो तो सभी एजुकेटर से आप बढ़ सकते हो, साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा एजुकेटर को भी आप फॉलो कर सकते हो, और सभी यहाँ पर वेल क्वालिफाइड और हाईएस्ट क्वालिफाइड टीचर्स हैं, यू कैन लर्न फ्रॉम देम। अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं तो दो तरह के प्लान हैं हमारे पास, एक प्लस सब्सक्रिप्शन और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटेड टीम मिलती है, जैसा कि आप लोग जानते हो। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, स्ट्रक्चर कोर्स और उसका PDF भी आपको मिलता है, जिससे कि आप उसको बाद में देख सकें। इसके साथ साथ आपको लाइव टेस्ट और क्विजेज में यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि आप अपनी स्पीड वगैरह भी इंक्रीज कर सकें, अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकें, जो आपने लर्निंग की है उसको चेक कर सकें। इसके साथ साथ आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे फ्रॉम द बस सब्सक्रिप्शन, जैसे कि आपको यहाँ पर पर्सनल कोच भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट में अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, थर्ड ईयर या सेकंड ईयर में, तो डेफिनेटली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर एडिशनल मिलते हैं, जो कि आपको ज़रूरत होती है कॉलेज के दौरान। कि सबसे पहले तो गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड कराते हैं।
उसके बाद आपको स्टडी को प्लान करने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम स्टडी प्लानर आपको देते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करने के लिए स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर पर्सनल टेस्ट एनालिसिस आपको करके दिया जाता है, जिससे कि आप अपने वीकर सेक्शन के बारे में पता कर सकें। अगर हम प्लान्स की बात करें तो प्लस का जो प्लान है 12 मंथ का, वो पड़ता है आपको 30,250 रुपीज़। 6 मंथ का पड़ता है 24,750 रुपीज़। 18 मंथ का पड़ता है 38,520 500। तो ये सारे जो प्लान हैं, ये सब और इंक्लूडिंग ऑल द टैक्स है, यहाँ पर कोई एडिशनल चार्जेस आपको नहीं देने हैं। उसके बाद अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं पठान, तो आपको ये जितने भी चार्जेस हैं वो 10% ऑफ हो जाएंगे। एंड गाइस, अगर आप प्लान करना चाह रहे हैं सब्सक्रिप्शन, तो इसी मंथ में आप प्लान कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस मंथ पे प्लान करेंगे तो 10% का बेनिफिट आपको मिलेगा, अदरवाइज अगले मंथ से ये बेनिफिट घट के 5% हो जाएगा, इसलिए आपको इसी मंथ प्लान कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास ये गुड न्यूज़ भी है कि अगर आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है या फिर HDFC का डेबिट कार्ड है, तो ये आप EMI पर भी ले सकते हो, और अगर 12 मंथ का EMI आप देखो तो 2,269 रुपीज़ है। इसी तरह सभी कोर्सेज की EMI उनके सामने लिखी हुई है, तो आप देख सकते हो। इसी तरह से अगर आइकोनिक्स प्लान की बात करें, तो आइकोनिक प्लान में भी 2 स्लॉट हैं हमारे पास, 12 मंथ और 24 मंथ, तो ये केवल लॉन्ग टर्म स्लॉट में ही अवेलेबल है। अगर 12 मंथ की फीस विदाउट डिस्काउंट आप देखते हो तो 50,250 रुपीज़ है, बट विद डिस्काउंट अप्लाई माई कोड आपको पड़ेगा 45,225 का। 24 मंथ के लिए 74,000 है, बट अगर आप यहाँ पर भी कोड अप्लाई करेंगे तो आपको ये पड़ता है 66,600 रुपीज़। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। जल्दी जल्दी से आ जाइए, फटाफट फटाफट क्लास में आ जाइए। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड आज संडे है, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्लास इज गोइंग टू हैपन टुडे, सो कम टू द क्लास एज सून। लास्ट क्लासेस में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, जो जो क्लास में आ चुके हैं यस ओ नो कर दीजिए। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, विस्कोसिटी तक डिस्कस कर लिया था, और विस्कोसिटी के क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिए थे, कंप्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, विस्कस फ्लो, इनविस्कस फ्लो, उसकी यूनिट, गैस की विस्कोसिटी, लिक्विड की विस्कोसिटी, इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लासेस में कंप्लीट कर लिया। आज हमारा जो सेशन है वो है टाइप ऑफ फ्लूड पर। तो आज जो है हम टाइप ऑफ फ्लूड के बारे में पढ़ने वाले हैं, कितने तरह के फ्लूड होते हैं। ओके, तो जल्दी से जल्दी क्लासेस में आ जाइए, फटाफट फटाफट, मुझे सब लोग चाहिए अभी क्लास में। ओके, जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाइए सब लोग। ओके, चलिए, तो हमारे पास तीन तरह के यहाँ पर फ्लूड होते हैं। एक होता है न्यूटोनियन फ्लूड, एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, और एक होता है आइडियल फ्लूड। तो देखिए, न्यूटोनियन फ्लूड क्या होता है? देखो, तो तीन तरह के हमारे पास फ्लूड होते हैं, एक होता है न्यूटोनियन फ्लूड, एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, और एक होता है आइडियल फ्लूड। अब इन तीनों तरह के फ्लूड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। न्यूटोनियन फ्लूड क्या होता है? देखिए, न्यूटोनियन फ्लूड वो फ्लूड होते हैं, सिंपल सी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर न्यूटोनियन फ्लूड के बारे में अगर कही जा सकती है, तो न्यूटोनियन फ्लूड वो फ्लूड होते हैं जिनकी जो विस्कोसिटी है, न्यूटोनियन फ्लूड के अगर बारे में बात करें तो न्यूटोनियन फ्लूड वो फ्लूड है जिनकी विस्कोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है। इट इज़ नॉट वेरी विद रेस्पेक्ट टू डिफॉर्मेशन। अगर विस्कोसिटी कॉन्स्टेंट है और डिफॉर्मेशन के साथ वेरी नहीं कर रही है, ना ही टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो वो न्यूटोनियन फ्लूड कहलाएगी। अगर प्रैक्टिकली मैं आपको बोलूं कि न्यूटोनियन फ्लूड क्या है, तो आप देखिए, अगर कोई फ्लूड को अगर आप डिफॉर्मेशन दे रहे हैं, लाइक वाटर है, अगर आप उसको डिफॉर्म कर रहे हैं, उसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रही है, या वाटर को काफ़ी टाइम तक आपने रख दिया लेकिन उसके बाद भी उसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ना तो उसमें गाढ़ापन आ रहा है, ना ही उसमें पतलापन आ रहा है, तो वो क्या है? न्यूटोनियन फ्लूड है। एयर है, एयर की जो विस्कोसिटी है वो ऐसे वेरी नहीं करती डिफॉर्मेशन के साथ कि एयर फ्लो कर गई और उसकी विस्कोसिटी वेरी कर गई, तो वो क्या है? न्यूटोनियन फ्लूड है। जितने भी ऑयल्स हैं, ऑयल जितने भी तरह के ऑयल हैं, वो सारे के सारे क्या है? न्यूटोनियन फ्लूड है। उनकी विस्कोसिटी भी डिफॉर्मेशन के साथ वेरी नहीं करती। तो अब आप पूछोगे, सर नॉन न्यूटोनियन फ्लूड तो हमने देखे नहीं, सारे फ्लूड ऐसे ही होते हैं, सर विस्कोसिटी कहाँ वेरी करती है सर और डिफॉर्मेशन? देखिए, अगर एक एग्जांपल, अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दही का, तो दही को आपने देखा होगा, फेटो आप उसको तो वो पतला हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप केचप का एग्जांपल दो कि केचप में क्या होता है, आप उसको ज़्यादा तेज़ी से हिलाओगे तो केचप इजीली बाहर आ जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है वहाँ पर? उसको जब आप शेक कर रहे हो, उसको डिफॉर्मेशन दे रहे हो, तो उसकी विस्कोसिटी कम हो रही है, इसलिए वो इजीली बाहर आ रहा है। तो कुछ ऐसे फ्लूड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी डिफॉर्मेशन आप वेरी करती है, उनमें से बहुत दो एग्जांपल मैंने आपको बताया। इसी तरह से ब्लड भी होता है, अगर आपने देखा होगा तो नर्स जो ब्लड लेती है आपका, ब्लड लेने के बाद उसको थोड़ा शेक करती है,
ब्लड जो होता है गाढ़ा होता है और ब्लड एक नॉन न्यूट्रल फूड है, तो शेक करने पर उसके अंदर पतलापन आता है, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो नेचर के अंदर बहुत तरह के फ्लूड होते हैं, न्यूटोनियन भी है नॉन न्यूटोनियन भी है, बट 99% फ्रूट जितने भी फ्रूट नेचर में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे न्यूटोनियन फ्रूट हैं। तो न्यूटन ने जब स्टडी की थी फ्रूट्स की, तो उसने जनरली पानी और इसी नॉर्मल जो फ्रूट है उन्हीं के ऊपर की थी या फिर लुब्रिकेंट ऑयल के ऊपर की थी। तो वहीं से ये कंसेप्ट आया कि न्यूटोनियन फ्रूट क्या होते हैं। तो न्यूटोनियन फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिनकी विस्कोसिटी कॉन्स्टेंट है, या फिर इनको इन जनरल अगर बोला जाए तो वो फ्रूट जिनके अंदर जिनके लिए अगर शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन DU/DY तो इक्वल टू या ठग रहा है बार बार। ओके ओके सो 2 मीटर की है, ये अटक रहा है बार बार, सो मेरे को दूसरा पेन लेना पड़ेगा। सो वो फ्रूट जिनके अंदर शेयर स्ट्रेस जो है वो µDU/DY पर डिपेंड होता है, नहीं यही बात कर लेते हैं, वो फ्रूट जिसके अंदर जो शेयर स्ट्रेस है दैट शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू µDU/DY पर ओके। सॉरी गाइस ये पेन मेरा बहुत ही ज़्यादा अटक रहा है। वालेकुम अस्सलाम मुजन खान। आई डोंट नो बट पेन बहुत ज़्यादा अटक रहा है। तो वो फ्लूड जिनके अंदर शेयर स्ट्रेस वो फ्लूड जिनमें शेयर स्ट्रेस जो है वो DU/DY पे डिपेंड करता है। सॉरी वी हैव टू मैनेज बाय दिस ओनली बिकॉज पेन थोड़ा अटक रहा, हो सकता है थोड़ी देर में सही हो जाए। ओके देखिए वो फ्लूड जिसमें µDU/DY पर डिपेंड करता है, ठीक है, ऐसे फ्लूड या मुजन खान आई विल कंप्लीट ऑल द फ्लूड मैकेनिक्स डोंट वरी। ओके ऐसे फ्लूड जिनके अंदर अब देखिए वो सही हो गया है, ऐसे फ्लूड जिसके अंदर शेयर जो है शेयर स्ट्रेस µDU/DY पर डिपेंड करता है एंड हेयर म्यू इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पर म्यू क्या है आपका कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, तो इस वजह से शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू DU/DY और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन dθ/dt। तो अगर हम बात कर रहे हैं न्यूटोनियन फ्लूड की, तो न्यूटोनियन फ्लूड वैसे फ्लूड होते हैं, अगर मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ न्यूटोनियन फ्लूड, तो न्यूटोनियन फ्लूड वो फ्लूड होंगे जो कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेंगे। न्यूटोनियन फ्लूड तो वो फ्लूड जिनके अंदर सिंपल सी बात है कि विस्कोसिटी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होगी, एंड द फ्लूड विच फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फ्लूड विच फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड एज न्यूटोनियन फ्लूड, ऐसे फ्लूड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर लें। अब सवाल आता है कि सर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, तो यह सीधी सी बात है, ये जो रिलेशन हम लिखते हैं टो इक्वल टू µDU/DY,
दैट इज नोन एज दिस रिलेशन इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. इसी रिलेशन को हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. दिस रिलेशन इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. इन दिस रिलेशन यू कैन सी दिस दिस इज म्यू इज अ कॉफिशेंट एंड इट इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी. तो ये जो रिलेशन है ये y इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन बनता है विच इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. तो अगर हम कर्व बना रहे हैं शियर स्ट्रेस और du by dy, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू डी फाई बाई डी टी एंड डी फाई बाई डी टी इज नोन एज रेट ऑफ डिफॉर्मेशन. तो अगर हम कर्व बना रहे हैं शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में, तो हमारे पास जो कर्व आएगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ये जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन जैसे आएगा कर्व. ये जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन जैसे कर्व आएगा और ये जो स्ट्रेट लाइन होगी दैट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कहाँ से पास करी है, ओरिजिन से पास करी है. तो टी टो इक्वल टू डी यू बाई डी वाई, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी. तो ये जो हमने कर्व बनाया है वो शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में कर्व बनाया है. यहाँ पर हमारे पास जो फ्लूड होगा दैट विल फॉलो दिस रिलेशन बेसिकली एंड हेयर म्यू इज कॉन्स्टेंट. तो ऐसे फ्लूड को हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूड. तो वो फ्लूड जिसकी जिसका कर्व ऑन शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पर एक स्ट्रेट लाइन आता है दैट फ्लूड बेसिकली नोन एज न्यूटोनियन फ्लूड. अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये क्या है मेरा वाई है और ये क्या है मेरा एक्स है. ठीक है, तो वाई बाई एक्स क्या होता है मेरा स्लोप, वाई बाई एक्स मेरा क्या होता है एम, दैट इज नोन एज स्लोप. तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस अपॉन डी यू बाई डी वाई किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू म्यू. तो म्यू इज हेयर इज स्लोप. तो यहाँ पर जो स्लोप है इसका, तो जो स्लोप है इसका दैट इज नथिंग बट अ विस्कोसिटी. ओके, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो किसके बराबर होता है, वो विस्कोसिटी के बराबर होता है. तो स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन विल बी इक्वल टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूड बिकॉज यू कैन सी दिस फ्रॉम दिस डायग्राम. यहाँ पर जो वाई है वो टो है और जो एक्स है वो डी यू बाई डी वाई या डी फाई बाई डी टी है. तो इसी वजह से इस लाइन का जो स्लोप होगा वो एक किसके बराबर होगा, विस्कोसिटी के बराबर होगा. अब अगर सपोज हम यहाँ पर तीन लाइन खींच रहे हैं, यहाँ पर तीन लाइन खींच रहे हैं विच इज रिस्पेक्टिव ऑफ थ्री डिफरेंट फ्लूड. अगर ये फ्लूड ए की लाइन है, ये फ्लूड बी की लाइन है, ये फ्लूड सी की लाइन है, तो सिंपल सी बात है कि सबसे ज़्यादा स्लोप किस लाइन पर है, सी का है. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर सी वाले फ्लूड की विस्कोसिटी बात करूँ, बी वाले फ्लूड की विस्कोसिटी की बात करूँ और ए वाले फ्लूड की विस्कोसिटी की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी कौन सी होगी, सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी होगी सी वाले फ्लूड की. इसका मतलब सी वाले फ्लूड में डिफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए, सेम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए यू रिक्वायर्ड अ लार्जर शियर स्ट्रेस. ओके, तो अगर, या फिर सीधी सी बात है, अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ शियर तीनों फ्लूड में अप्लाई करूंगा तो सबसे ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा किस फ्लूड में, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा या सबसे ज़्यादा फ्लो होगा ए फ्लूड में, उसके बाद किस फ्लूड में होगा, बी फ्लूड में, उसके बाद किस फ्लूड में होगा, सी फ्लूड में. इसका मतलब ये है कि जो सी फ्लूड है उसकी विस्कोसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू ए फ्लूड, जो सी फ्लूड है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी फ्लूड एंड बी फ्लूड की विस्कोसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सी फ्लूड. तो वो फ्लूड जिनकी विस्कोसिटी रहती है कॉन्स्टेंट एंड उन फ्लूड के अंदर क्या होता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेयर स्ट्रेस एंड विस्कोसिटी विल रिमेन कॉन्स्टेंट एंड दिस टाइप ऑफ फ्लूड इज नोन एज न्यूटोनियन फ्लूड. तो जनरली न्यूटोनियन फ्लूड को हम बोलते हैं नॉन सिंगल कंपोनेंट फ्लूड, सिंगल कंपोनेंट फ्लूड. अभी इसका मतलब मैं समझाऊंगा. या फिर ऐसे फ्लूड जिनके अंदर कोई चीज सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं है, नो सस्पेंडेड पार्टिकल, नो सस्पेंडेड पार्टिकल पार्टिकल. अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है जब हम रियोलॉजी पढ़ेंगे कि सस्पेंडेड पार्टिकल होने से फ्लूड नॉन न्यूटोनियन कैसे बनते हैं. देखिएगा, तो सिंपल सी बात है कि अगर विस्कोसिटी कांस्टेंट है और शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पर बनने वाला कर्व अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो फ्लूड क्या कहलाएगा, आपका न्यूटोनियन फ्लूड. अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग सी पॉइंट है, वो इंटरेस्टिंग सा पॉइंट क्या है, फॉर स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट शियर स्ट्रेस, फॉर स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट शियर स्ट्रेस, जीरो से थोड़ा भी ऊपर अगर शियर स्ट्रेस होता है तो यहाँ पर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन तो होगा. इसका मतलब ये हो गया
कि बहुत स्मॉल शियर स्ट्रेस पर भी फ्लूड हमेशा फ्लो करेगा, कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करेगा। दैट मीन्स अगर कोई न्यूटोनियन फ्लूड है तो अगर आप उसको हाथ पे रखोगे और केवल उसके ऊपर से एयर ब्लो करते हो, एयर का ब्लो करते हो या एयर फूक मारते हो, तो न्यूटोनियन फ्लूड कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होने लगेगा। न्यूटोनियन फ्लूड जो है कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होगा, न्यूटोनियन फ्लूड फ्लो करने लगेगा, क्योंकि न्यूटोनियन फ्लूड में क्या है, फॉर स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट शियर स्ट्रेस देर इज अ डिफॉर्मेशन, सो इट कैन नॉट रजिस्ट अ शियर स्ट्रेस। सो वेन यू ब्लो द एयर ऑन द न्यूटोनियन फ्लूड इट ऑलवेज फ्लो। तो जितने भी न्यूटोनियन फ्लूड होंगे, अगर तुम्हें उनको स्टेशनरी कंडीशन में रखना है तो उनके लिए किसी कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज फॉर स्मॉल शियर स्ट्रेस ऑल्सो दे आर गोइंग टू फ्लो, फॉर स्मॉल शियर स्ट्रेस ऑल्सो दे आर गोइंग टू फ्लो, दे कैन नॉट रजिस्ट अ वेरी स्मॉल शियर स्ट्रेस ऑल्सो, दे कैन नॉट रजिस्ट अ वेरी स्मॉल शियर स्ट्रेस ऑल्सो। तो फॉर ऑल न्यूटोनियन फ्लूड, जितने भी न्यूटोनियन फ्लूड हैं, अगर तुम्हें उनको रखना है तो यू रिक्वायर्ड अ सर्टेन कंटेनर, अदरवाइज दे विल फ्लो अंडर द वेरी वेरी स्मॉल शियर स्ट्रेस ऑल्सो। तो अगर स्लोप थोड़ा भी आता है या उसमें से एयर ब्लो होती है तो वो फ्लो करने लगेंगे। या फिर एक और पॉइंट यहाँ पर बोलता हूँ कि जितने भी न्यूटोनियन फ्लूड हैं दे विल फ्लो अबाउट इट्स ओन वेट, अपने खुद के वेट की वजह से भी ये फ्लो करने लगते हैं, अपने खुद के वेट की वजह से भी ये फ्लो करने लगते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं दो चीज के डायग्राम बनाऊं, ठीक है, मैं इस पॉइंट को समझा रहा हूं आपको कि अगर मैं एक न्यूटन एक फ्लूड ले रहा हूं जिसके अंदर फॉर स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट शियर स्ट्रेस देयर इज अ डिफॉर्मेशन, तो दे विल फ्लो अबाउट इट्स ओन वेट। व्हाई? क्योंकि देखिए, अगर यहां पर आपने फ्लूड का एलिमेंट लिया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, तो उसका क्या होगा, उसके ऊपर जितना भी फ्लूड है उसका वेट होगा, और बिकॉज ऑफ दैट वेट यहां पर एक प्रेशर होगा और यहां पर भी एक प्रेशर होगा, ठीक है। बट यहां पर कोई भी इनको रजिस्ट करने के लिए आपने वॉल नहीं बनाई है, केवल ऊपर और नीचे प्रेशर होगा, यहाँ पर कोई भी वॉल नहीं है जो कि इसको रजिस्ट कर सके। तो फिर इसके लिए अगर आप मोहर सर्कल बनाएंगे तो एक मोहर सर्कल जो आएगा इस तरह से एक सर्कल आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट शियर स्ट्रेस दिस फ्लूड इज गोइंग टू फ्लो, दिस फ्लूड इज गोइंग टू फ्लो। सो द फ्लूड विच कैन नॉट रजिस्ट अ शियर स्ट्रेस ऑलवेज फ्लो बाय इट्स ओन वेट, खुद के वेट की वजह से भी वो फ्लो करता है। लेकिन अगर कोई सॉलिड बॉडी की अगर हम बात करें तो सॉलिड बॉडी में क्या होता है, सॉलिड बॉडी कैन रजिस्ट अ शियर स्ट्रेस। सो व्हेन तो सॉलिड बॉडी क्या होती है, अगर आप उसको रख रहे हो तो इट विल जस्ट डिफॉर्म लाइक दिस, वो क्या होती है, इस तरह से डिफॉर्म हो जाती है, एंड आफ्टर सर्टेन डिफॉर्मेशन दे विल रजिस्ट द फोर्स या वेट ऑफ द बॉडी, इस तरह से बल्ज कर जाती है, दैट इज फॉर सॉलिड बॉडी। लेकिन अगर हम बात करें फ्लूड जिनके अंदर कर्व जो है वो अगर ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, शियर स्ट्रेस जहाँ पर जीरो होता है, कर्व अगर ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं तो दे ऑलवेज फ्लो अंडर इट्स ओन वेट। ओके, दे कैन नॉट रजिस्ट अ वेरी स्मॉल शियर स्ट्रेस, दैट्स व्हाई दे विल फ्लो अबाउट इट्स ओन वेट। टू स्टोर दैट टाइप ऑफ फ्लूड यू मस्ट रिक्वायर सर्टेन रिएक्शन फोर्स फ्रॉम एक्सटर्नल, रिएक्शन फोर्स फ्रॉम एक्सटर्नल, एंड that reaction force will provided by the container walls, that reaction force will be provided by the container wall, and then only the element become a then only the Mohr circle will become a point, then only you can stop the flow of this fluid. Okay, so when you providing a container, then you can stop the flow of this fluid. So my dear friend, what happened here? So all the Newtonian fluid or all the fluid where for smallest shear stress there is a deformation या there is a rate of deformation, they will flow under its own weight. तो अब मजेदार वाली बात क्या है, तो मैंने आपको बताया कि Newtonian fluid में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि Newtonian fluid की जो viscosity होती है, this is the constant quantity and it will remain constant with respect to deformation or time. Time के साथ और deformation दोनों के साथ ये constant रहती है, ठीक है। और न्यूटोनियन फ्लूड के लिए शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में अगर आप कर्व बनाओगे तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन से पास होने का सीधा सा मतलब है कि स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट शियर स्ट्रेस दे विल फ्लो। इसका मतलब अगर ये अपने खुद के वेट की वजह से भी फ्लो कर सकते हैं, ओके, क्योंकि दे कैन नॉट रजिस्ट अ स्मॉल शियर स्ट्रेस हियर। सो टू स्टोर दिस टाइप ऑफ फ्लूड यू रिक्वायर सर्टेन कंटेनर। ओके, नाउ तो नेचर में जितने भी अब आता है एग्जाम्पल ऑफ न्यूटोनियन फ्लूड,
जितने भी 98% फ्लूड इन द नेचर इज न्यूटोनियन फ्लूड। लाइक सबसे मोस्ट फेमस जो न्यूटोनियन फ्लूड है वो कौन सा है? वाटर। फिर उसके बाद क्या है? एयर। सबसे ज्यादा तो नेचर में यही दो फ्लूड है। उसके बाद है मरकुरी, HG। उसके बाद जितने भी ऑयल, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, जितने भी ऑयल हैं, ये सारे के सारे न्यूटोनियन फ्लूड हैं। तो मैक्सिमम फ्लूड इन द नेचर जिनसे हमारा पाला पड़ता है वो सारे के सारे न्यूटोनियन फ्लूड हैं। इसलिए आप लोग जो है फ्लूड मैकेनिक्स में केवल और केवल न्यूटोनियन फ्लूड्स की स्टडी करते हो। आप फ्लूड मैकेनिक्स में केवल और केवल ये जनरली यही इक्वेशन लेके चलते हो, यू स्टडी द न्यूटोनियन फ्लूड इन द फ्लूड मैकेनिक्स ओनली। ओके, क्योंकि 90% फ्लूड इन द नेचर इज अ 98% फ्लूड इन द नेचर इज अ न्यूटोनियन फ्लूड। तो 98% फ्लूड इन द नेचर इज बेसिकली अ न्यूटोनियन फ्लूड, एंड दैट्स व्हाई यू स्टडी ऑलवेज अ न्यूटोनियन फ्लूड, एंड दैट्स व्हाई हमेशा आप शेयर स्ट्रेस को ऐसे ही लिखते हो, म्यू डी फाई बाई डी टी। अब जैसे कि और न्यूटो दूसरे फ्लूड है जो कि नॉन न्यूटोनियन है, तो यहां तक बात समझ में आ गई? यस और नो? यहां तक बात समझ में आई आपको? किसी को डाउट यहां पर? यहां तक आपको पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? यहां तक पॉइंट समझ में आया जो मैंने आपको समझाया न्यूटोनियन फ्लूड? वेरी गुड। ओके, सो अब वो फ्लूड जो नॉन न्यूटोनियन है उन सभी फ्लूड की अलग से स्टडी की जाती है। तो मैंने बता दिया आपको फ्लूड मैकेनिक्स में जितने भी फ्लूड की हम स्टडी करेंगे दैट इज ऑलवेज अ न्यूटोनियन फ्लूड। अब जो फ्लूड नॉन न्यूटोनियन है उसकी एक अलग ब्रांच ऑफ साइंस। यस धीरज, कंप्लीट कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा। या अभी बताते हैं, मुजम खान रियोलॉजी का मतलब भी बताते हैं। ओके, सो अभी अभी बता रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ ना। ठीक है, तो वो ब्रांच ऑफ साइंस, इसको ये एक नाउन है, देखो किसी चीज का नाउन हमने रखा हुआ है। ओके, क्लियर है यहां तक? हाय, हाँ या विनो, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रियोलॉजी क्या होती है? रियोलॉजी इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी डील विद द वेयर विल डील विद द फ्लूड विच विल नॉट ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। वो फ्लूड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं रियोलॉजी। ठीक है, रिहो का मतलब होता है स्ट्रीम और लॉजी का मतलब साइंस है, लोगस मतलब साइंस, एक ग्रीक वर्ड है। तो जनरली रियोलॉजी वो ब्रांच ऑफ साइंस होती है जहां पर हम उन फ्लूड्स की स्टडी करते हैं जो कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। अब जनरली हम लोग जितने भी फ्लूड्स नेचर में देखते हैं बहुत सारे फ्लूड, 98% फ्लूड तो हमारे न्यूटोनियन है, लेकिन जनरली जितने हम यूज करते हैं जैसे कि चॉकलेट्स हम लोग यूज करते हैं, जूस हम लोग यूज करते हैं, क्रीम, जितनी भी क्रीम हम लोग यूज करते हैं, आइसक्रीम वगैरह, ये सारी की सारी जो है ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूड है और इन्हीं की स्टडी हमारी रियोलॉजी में होती है। तो ये सब जो फ्लूड आप डायग्राम में देख पा रहे हो ये सारे के सारे जो फ्लूड है ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूड है। जो भी केचप आप यूज करते हो, मेयोनीज आप यूज कर रहे हो, ठीक है, चॉकलेट आप यूज कर रहे हो, ठीक है, आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, ये सारे के सारे जो फ्लूड है वो सारे के सारे फ्लूड रियोलॉजिकल फ्लूड है। ठीक है, तो वी जनरली इन सारे फ्रूट्स को हम यूज करते हैं बट हम लोगों ने कभी भी इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं किया कि योगर्ट हम यूज करते हैं, दही हम यूज करते हैं, फ्रूट्स जनरली यूज करते हैं, तो इन सबको अलग अलग तरह के केचप, सॉसेस वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ब्रेड पे लगाने के लिए बटर वगैरह हम लोग यूज करते हैं, स्किन पे लगाने के लिए लोशन वगैरह हम यूज करते हैं। दे ऑल काइंड ऑफ फ्लूड बेसिकली आ रियोलॉजिकल फ्लूड। तो आप जाए डायग्राम में देख सकते हो ये सारे के सारे फ्लूड जो है रियोलॉजिकल फ्लूड है। अब रियोलॉजिकल का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था रियोलॉजी का स्ट्रीम डिफॉर्मेशन और लॉजी मतलब साइंस ऑफ स्टडी। ठीक है, साइंस ऑफ स्टडी। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपकी बुक्स में नहीं लिखी है, रियोलॉजी एक दो मैंने बहुत सारी बुक्स देखी है इंडियन ऑथर की और दे विल लाइट स्मॉल लाइन अबाउट द रियोलॉजी, लेकिन असली मतलब रियोलॉजी का कोई नहीं समझाता, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है कि सर वाई वी हैव अ रियोलॉजिकल बिहेवियर, वाई वी डाइवर्ट फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ।
न्यूटन्स लॉ से हमने क्यों डाइवर्ट किया, क्यों हमारे पास रियोलॉजिकल बिहेवियर आ रहा है, क्यों सर डिफॉर्मेशन के साथ विस्कोसिटी चेंज हो रही है, तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, रियो का मतलब होगा डिफॉर्मेशन और लोगी का मतलब साइंस और स्टडी, तो स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। ओके चलिए, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस लाइन को पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट करके आप अपनी तरफ भी लिख लीजिएगा, अपनी बुक्स में भी लिख लीजिएगा। द रियोलॉजी स्टडीज अलाउ टू करेक्टराइज कोलाइडल सिस्टम, कोलाइड सिस्टम को ये करेक्टराइज करती है, नेमली कोलाइडल डिप्रेशन और इमल्शंस। बेसिकली जब भी हमारी रियोलॉजिकल स्टडी होती है, हम उन फ्लूड्स की स्टडी करते हैं विच आर कोलाइडल सोल्यूशन और कोलाइडल डिप्रेशन। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई फ्लूड दूसरे फ्लूड में मिक्स है, कुछ ना कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल उसके अंदर मौजूद है। जैसे कि अगर हम दही बात करें तो दही के अंदर दो चीज़ है, एक तो फैट पार्टिकल है और एक लिक्विड जो दूध है, लिक्विड दूध है। दूध के अंदर दो चीज़ है, एक तो फैट पार्टिकल है जो कि सस्पेंडेड पार्टिकल है दही के अंदर, तो या बेसिकली दो तरह के हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल होते हैं, एक तो नॉर्मल जो हमारे पास, जैसे दूध की बात आप करो तो दूध को थोड़ी देर तक अगर आप रख दोगे, जैसे लेके आपने एक दिन के लिए छोड़ दिया, तो दूध के नीचे आपको छोटे 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 पार्टिकल दिखेंगे, दिखेंगे, वो फैट पार्टिकल हैं जो कि दूध के अंदर मिक्स है। ओके, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन, कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं इनको हम लोग, ठीक है। तो जितने भी हम स्टडी करेंगे रियोलॉजिकल, इनके अंदर कहीं ना कहीं दूसरे पार्टिकल का डिप्रेशन होगा, इस तरह के सॉलिड पार्टिकल इनके अंदर मौजूद होंगे, तो दे आर द कोलाइडल डिप्रेशन। ओके, और इमल्शंस है जनरली ये, ठीक है। तो जनरली ये जो स्टडी की जाती है, रियोलॉजिकल स्टडी की जाती है, वो जनरली हमारी काम आती है किसमें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आती है, पेंट इंडस्ट्री में काम आती है, कागज वगैरह बनाने में, पल्प इंडस्ट्री में हमारी काम आती है। और रियोलॉजिकल बिहेवियर जो है वो तीन पॉइंट पर डिपेंड करता है, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तीन पॉइंट पर ये रियोलॉजिकल बिहेवियर डिपेंड करता है, ठीक है। पहला डिपेंड करता है विस्कोसिटी ऑफ डिप्रेसेंट फेस, दो फेस होते हैं रियोलॉजी के अंदर, विस्कोसिटी ऑफ द डिप्रेसेंट फेस, डिस्पर्जेंट फेस। ओके, दूसरा ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल, और तीसरा डिपेंड करता है उसके अंदर जो पार्टिकल है उनका साइज क्या है, पार्टिकल का साइज क्या है एंड शेप। जैसे कि मैं आप छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक मड है, तो मड किस चीज का सोल्यूशन है, मिट्टी है उसके अंदर, पानी है, इसी चीज का सोल्यूशन है। तो मिट्टी जो है उसके अंदर, मड के अंदर जो मिट्टी है वो डिप्रेसेंट है। अब मड भी अलग अलग तरह का होगा, या आई विल प्रोवाइड द नोट्स, आई विल प्रोवाइड द नोट्स, आई विल प्रोवाइड द नोट्स, हाँ सारा काम खत्म कर देंगे। लेकिन जितने लोग अच्छे क्या स्टूडेंट देख रहे हैं, सबसे पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोग बैठे हैं हमें डिसलाइक करने के लिए। ओके, दे विल नॉट सी द लेक्चर एंड दे विल डिसलाइक अगेन, दे विल नॉट अंडरस्टैंड द हार्डवर्क ऑफ द टीचर। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो चीज आज मैं लेक्चर में दे रहा हूँ आपको ना, आप सर्च कर लीजिएगा, आपकी बुक्स पढ़ लीजिएगा, टेक्स्ट बुक अगर आपको इतना आसानी से मिल जाए तो, ये ठीक है। जितना डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा, गो थ्रू एनी लेक्चर, एनी नोट्स एंड एनी बुक्स, अगर ये मिल जाए तो बता देना। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल साइज एंड शेप, तीन चीजों पर डिपेंड करते हैं वो चीज, इतना कंसाइज वे में चीजें कर रहा हूं मैं। सो ओके, थैंक यू थैंक यू, वरी करने की जरूरत नहीं है। ओके या हाँ, आई विल प्रोवाइड द नोट्स, यही स्लाइड में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ये जो इनका टेलीग्राम चैनल है उसी पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। एक दो दिन से मैं कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज या थैंक यू थैंक थैंक यू वेरी मच भूजन या तो बेसिकली थैंक यू वेरी मच। तो आज इनका जो टेलीग्राम चैनल है ना, मैं उस पर डाल दूंगा नोट्स, है ना, जो मेरी स्लाइड्स हैं वो सब मैं उस पर डाल दूंगा एज ए पीडीएफ, उसको कन्वर्ट करके, तो वो सब हम उस पर डाल देंगे, ठीक है, उससे आप पढ़ लीजिएगा। तो नोट्स डेफिनेटली आई विल गिव द नोट्स, डोंट वरी। सो
ओके, थैंक यू वेरी मच. द टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियोलॉजी इज मैनिफेस्ट. तीन पॉइंट पर डिपेंड करता है. ध्यान ढंग से क्लास लीजिए, मजा आएगा आपको. ठीक है, एंड यू विल गेट नॉलेज अबाउट एग्जाम. तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है. विस्कोसिटी ऑफ डिप्रेसेंट फेस. थैंक यू. विस्कोसिटी ऑफ द डिप्रेसेंट फेस. देखो, कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल एंड पार्टिकल साइज. डिप्रेसेंट फेस जितने भी आप रियोलॉजिकल फ्लूड देखोगे आगे जाके, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ दिखेगी. वो क्या दिखेगी कि उनके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल का इमल्शन है. जैसे कि मैंने एक मड का एग्जाम्पल आपके सामने लिया, तो मड का एग्जाम्पल जब मैंने आपको लिया, तो मड में आपने देखा कि भाई मड में दो चीज़ों का सोल्यूशन है. तो अगर आपको ये पता करना है कि कोई फ्लूड रियोलॉजिकल है या नहीं है, तो जो फ्लूड बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, दो पार्टिकल से मिलकर बना होगा, एक सॉलिड पार्टिकल होगा जो कि किसी लिक्विड के अंदर मिक्स है, तो वो जनरली फ्लूड क्या होंगे, रियोलॉजिकल बिहेवियर शो करेंगे. जो इस तरह के फ्लूड जनरली रियोलॉजिकल बिहेवियर शो करेंगे. जैसे वाटर है, वाटर सिंपल फ्लूड है, उसके अंदर अगर आपने कोई चीज़ नहीं मिलाई हुई है, तो इट विल नॉट शो अ रियोलॉजिकल बिहेवियर. लेकिन अगर मैं ब्लड की बात करूँ, तो ब्लड विल बी अ रियोलॉजिकल फ्लूड. क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, बॉडी के जो सेल्स पार्टिकल होते हैं. कई बार आपने डेंगू वगैरह के बारे में सुना होगा कि दो तरह के हमारे पास ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड होता है, एक रेड ब्लड होता है. तो वाइट ब्लड जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल जैसा, लेकिन बहुत थिक पार्टिकल होते हैं वाइट ब्लड के. और जो रेड ब्लड होता है वो बहुत ही थिन होता है. तो बेसिकली जो ब्लड है वो दो चीज़ों का मिक्स है, वाइट ब्लड पार्टिकल्स ऑफ द ब्लड एंड रेड ब्लड पार्टिकल ऑफ द ब्लड. तो इसी तरह से जितने भी रियोलॉजिकल फूड हैं, दे आर मिक्सर ऑफ टू पार्टिकल. वन विल बी अ डिप्रेसेंट एंड सेकेंड विल बी जिसके अंदर वो मिले हुए हैं. तो ये जो रियोलॉजिकल बिहेवियर है वो किन बातों पर डिपेंड करता है, वो बेसिकली तीन पॉइंट पर डिपेंड करता है रियोलॉजिकल फ्लूड. कि जो डिप्रेसेंट उसके अंदर मिक्सिंग पार्टिकल है उनका विस्कोसिटी क्या है. कई बार मिक्सिंग पार्टिकल की विस्कोसिटी बहुत हाई होती है, जैसे कि मड वगैरह के अंदर की बात करें, तो जो धूल मिट्टी के पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल की विस्कोसिटी हाई होगी. कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है और पार्टिकल की साइज के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, अब इस रियोलॉजिकल बिहेवियर को हम बाद में पूरी तरह से स्टडी करेंगे. तो हमारे पास कई तरह के फ्लूड होते हैं, रियोलॉजिकल फ्लूड. तो अब हम यहां पर बात करें रियोलॉजिकल फ्लूड. ठीक है, तो हमारे पास रियोलॉजी फ्लूड होते हैं. तो जनरल इक्वेशन ऑफ रियोलॉजी, जनरल इक्वेशन फॉर ऑल रियोलॉजिकल फ्लूड जो कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करते, रियोलॉजिकल फ्लूड हमारे पास क्या होती है, दैट इज इक्वल टू टो इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई की पावर एन प्लस बी. वेयर वेयर ये जो ए है, ए एन एंड बी, ये क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है. तो दिस इज कॉल्ड अ जनरल इक्वेशन ऑफ द रियोलॉजिकल फ्लूड. तो रियोलॉजिकल फ्लूड की ये जो इक्वेशन है, दैट इज द जनरल इक्वेशन फॉर अ रियोलॉजिकल फ्लूड. बेसिकली ये जो इक्वेशन है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, जो कि टू डायमेंशन में बन सकती, जितने भी फैमिली बन सकती है, जितने भी कर्व टू डायमेंशन में बन सकते हैं, उनकी एक नॉर्मल इक्वेशन है. ओके, अब हमारे पास कई सारे रियोलॉजिकल फ्लूड्स होते हैं. जैसे कि सबसे पहला हमारा रियोलॉजिकल फ्लूड है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज नोन एज डाइलेटेंट फ्लूड. इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं शियर थिकनिंग फ्लूड. तो इट इज नोन एज डाइलेटेंट फ्लूड और शियर थिकनिंग फ्लूड. अब ये ऐसे फ्लूड होते हैं जिनमें अगर आप डिफॉर्मेशन दोगे, तो ये फ्लूड जो है वो थिक हो जाते हैं, गाढ़ापन इनके अंदर आ जाता है. ऐसे फ्लूड जिनके अंदर अगर आप डिफॉर्मेशन दोगे, तो इनके अंदर गाढ़ापन आ जाएगा, इसीलिए इनको शियर थिकनिंग फ्लूड कहते हैं. क्योंकि जैसे जैसे ये फ्लो करते हैं, इनको और ज्यादा शियर स्ट्रेस की जरूरत होती है टू फ्लो कंटिन्यूसली विद द सेम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन. अब इन फ्लूड्स के अंदर जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, देखिए इन फ्लूड के अंदर कंडीशन ये होती है कि यहां पर होता है एन ग्रेटर देन वन, ओके, और यहां पर होता है बी इक्वल टू जीरो. सो ये कंडीशन होती है फॉर द डायलेटेड फ्लूड. डायलेटेड फ्लूड में क्या होता है तुम्हारा, एन ग्रेटर देन वन होता है एंड बी इक्वल टू जीरो होता है. दिस इज कंडीशन. इसकी वजह से अगर यहाँ पर जनरल इक्वेशन रखें, तो टो इक्वल टू यहाँ पर जनरल इक्वेशन है ए डी यू बाई डी वाई की पावर एन, दिस इज अवर जनरल इक्वेशन. ठीक है, अब बी यहाँ पर क्या है, जीरो है. तो टो इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई की पावर एन. अब देखो इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूँ,
by dy की पावर n माइनस वन इंटू du by dy। तो कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, इसकी पावर वन है, वापस जुड़ के n हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम अवर न्यूटन्स इक्वेशन, और यहां पर न्यूटन्स की इक्वेशन में क्या था? विस्कोसिटी, और यहां पर क्या था? ड्यू बाय डी वाई। बट यहां पर तो कोई विस्कोसिटी है नहीं, ये तो कोई कांस्टेंट है नहीं, ये तो कोई क्वांटिटी है जो कि वेरी कर रही है। तो फिर इसको हम कहते हैं अपरेंट विस्कोसिटी, दैट इज नोन एज अपरेंट अपरेंट विस्कोसिटी, दैट इज नोन एज अपरेंट विस्कोसिटी। तो इन दिस केस शियर स्ट्रेस कैन बी राइट एज म्यू अपरेंट, दिस इज नॉट अ विस्कोसिटी, बिकॉज विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी, दिस विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी, बट अपरेंट विस्कोसिटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट। सो दिस अपरेंट विस्कोसिटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज नॉट कॉन्स्टेंट। सो दिस म्यू अपरेंट इन टू डी यू बाय डी वाई हेयर, दिस म्यू अपरेंट इन टू डी यू बाय डी वाई। नाउ नाउ सी दिस म्यू अपरेंट, म्यू अपरेंट विल बी नथिंग बट when you draw a curve on shear stress and du by dy axis, you will find the slope of that curve and that slope will be the mu operand। agar aap shear stress aur du by dy ke beech mein curve khichenge to us curve ka jo slope hoga wo mu operand ke barabar hoga, aur yahan par mu operand kiske barabar hai? mu operand barabar hai a du by dy ki power n माइनस वन के। अब यहाँ पर साफ है कि जो n माइनस वन होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि आपने अभी बोला कि n क्या है, यहाँ पर ग्रेटर देन वन है। तो अगर n ग्रेटर देन वन है तो n माइनस वन क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। अब ये क्या बता रहा है? अगर ग्रेटर देन वन है ये, या ग्रेटर देन वन है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव होने का सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे du by dy इंक्रीज होगा म्यू अपरेंट भी इंक्रीज होगा। तो दैट्स मीन्स du by dy अगर इंक्रीज होगा तो फिर म्यू अपरेंट भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, क्योंकि पावर यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल। तो अगर मैं यहाँ पर कर्व बनाऊँ फॉर द डायलेटेड फ्लूड और शियर थिकनिंग फ्लूड, मेरे पास ऐसा कर्व आना चाहिए जिसके अंदर स्लोप जो है वो लगातार इंक्रीज होता जाए, इसके अंदर जो स्लोप जो है वो लगातार इंक्रीज होता जाए। तो ये शियर स्ट्रेस है और ये ड्यू बाय डी वाई है। तो मैं ऐसा कर्व बनाऊंगा जिसका स्लोप यहाँ पर लगातार इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे ड्यू बाय डी वाई बढ़ेगा, और ड्यू बाय डी वाई बढ़ेगा तो अपरेंट बढ़ेगा, अपरेंट बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है? कर्व का स्लोप बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन ये थी कि बी इक्वल टू जीरो है, तो फिर कर्व यहाँ पर ओरिजिन से पास होगा एंड यहां पर जो स्लोप है वो इंक्रीज होता जाएगा लाइक दिस। तो आप देख सकते हो कि अगर स्लोप आपको निकालना है तो यू जस्ट ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन दिस कर्व एंड यू कैन सी दिस। जो स्लोप है यहां पर पहले थीटा वन है, फिर थीटा टू है, और थीटा थ्री है, और थीटा फोर है। तो आप देख सकते हो कि ये जो स्लोप है वो इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए ये जो फ्लूड होगा दैट इज कॉल्ड डायलेटेंट फ्लूड। तो ये जो फ्लूड होगा दिस इज नॉट डायलेटेंट फ्लूड, और इसका स्लोप क्या बता रहा है हमको कि इस फ्लूड में जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे डी बाई डी वाई बढ़ेगा, वैसे वैसे इस फ्लूड की विस्कोसिटी भी बढ़ती जाएगी। इस फ्लूड में और ज़्यादा डिफॉर्मेशन देने के लिए, सेम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए यू रिक्वायर्ड मोर शेयर स्ट्रेस। टू मेंटेन अ सेम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन यू रिक्वायर्ड मोर शेयर स्ट्रेस इन दिस फ्लूड। तो इस फ्लूड में जैसे जैसे हमारा डिफॉर्मेशन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये जो फ्लूड है वो थिक होता जाता है। यू रिक्वायर्ड मोर शेयर स्ट्रेस टू फ्लो द फ्लूड। ओके, अब इसके जो एग्जांपल है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके जो एग्जांपल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भैया कौन से ऐसे फ्लूड हैं जो इस तरह का बिहेवियर रखते हैं। तो इट इज़ नथिंग बट शुगर इन वाटर। तो आपने चाशनी देखी है, शुगर इन वाटर पहला एग्जांपल, चाशनी देखी है आपने। तो चाशनी में एक चीज़ आपने गौर की होगी कि अगर आप उसको डिफॉर्मेशन दें तो वो गाढ़ी होती चली जाती है। चाशनी जो है वो गाढ़ी होती चली जाती है, डिफॉर्मेशन जैसे जैसे हम देते हैं वैसे वैसे चाशनी जो है वो गाढ़ी होती चली जाती है। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर देखी होगी, नोट किया होगा कि जैसे जैसे हम डिफॉर्मेशन देते हैं वो गाढ़ी होती चली जाती है। तो पहला एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर, सेकेंड एग्जाम्पल है राइस स्टार्च। तो राइस स्टार्च आपने देखा होगा, चावल का मांड, अगर कभी बिहार वगैरह की तरफ गए हो तो चावल जो उबालते हैं तो वाइट वाइट कलर का एक पानी निकलता है मांड,
वो देखना आप, जैसे जैसे डिफॉर्म होता है वो थिक होता चला जाता है। तो दिस इज द टू एग्जाम्पल ऑफ द डाइलेटेंट फ्लूइड। तो यहां पर क्या होता है जनरली, दिस इज द बिहेवियर ऑफ द डाइलेटेंट फ्लूइड। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक बात समझ में आई? सो दिस इज द डायलेटेड फ्लूड बिहेवियर। तो डायलेटेड फ्लूड में एन ग्रेटर देन वन होगा एंड बी इक्वल टू जीरो होगा। फिर स्टेज दिस, तो यहां पर आपका धीरे धीरे विस्कोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है। तो दिस टाइप ऑफ फ्लूड बेसिकली नोन एज डायलेटेड फ्लूड। दिस टाइप ऑफ फ्लूड बेसिकली नोन एज डायलेटेड फ्लूड। इनके अंदर जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ता है, वैसे वैसे विस्कोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ फ्लूड इज नोन एज डायलेटेड फ्लूड। चलिए सेकेंड कैटेगरी ऑफ फ्लूड आते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? सूडो प्लास्टिक फ्लूड, सेकेंड कैटेगरी ऑफ फ्लूड आते हैं सूडो प्लास्टिक फ्लूड। अब देखिए सूडो प्लास्टिक फ्लूड में भी सेम कंडीशन, बट यहां पर जो कंडीशन रखी जाती है वो होती है एन लेस देन वन होता है यहां पर, और यहां पर बी इक्वल टू जीरो होगा सूडो प्लास्टिक फ्लूड। तो ऐसे फ्लूड जिनको हम बोलते हैं शियर थिनिंग फ्लूड, ऐसे फ्लूड इनको बोलते हैं शियर थिनिंग फ्लूड। तो दिस इज नोन एज शियर थिनिंग फ्लूड एंड सूडो प्लास्टिक फ्लूड। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, वही जनरल इक्वेशन आप लिखिए। तो जनरल इक्वेशन में अगर यहां पर बी जीरो है तो इसका मतलब ये इक्वेशन यहां पर बनेगी एन। अब अगेन वही साफ कंडीशन में कर रहा हूं यहां पर कि ए डी यू बाई डी वाई की पावर एन माइनस वन में अगर लिख दू, और इसको लिख रहा हूं डी यू बाई डी वाई। ओके, सो ये जो टर्म है ए डी यू बाई डी वाई की पावर एन माइनस वन, ये मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू अपरेंट विस्कोसिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरेंट विस्कोसिटी। तो दिस इज नथिंग बट म्यू अपरेंट, दैट इज नोन एज म्यू अपरेंट, दैट इज अपरेंट विस्कोसिटी। तो टो इक्वल टू यहां पे लिखा जाता है म्यू अपरेंट डी यू बाय डी वाई। अब देखिए ये जो अपरेंट विस्कोसिटी है यहां पर, इसको हम साइड में लिखते हैं इस तरह से, इसको हम साइड में इधर की तरफ लिखते हैं। तो दिस अपरेंट विस्कोसिटी बेसिकली ए डी यू बाय डी वाई की पावर एन माइनस वन आएगा यहां पर। अब देखिए एन चूंकि एक से कम है तो इसका जो पावर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि एन एक से कम होगा तो पावर यहां पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसी वजह से ये जो वैल्यू है ये नीचे जा चली जाएगी। का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं डी यू बाई डी वाई की पावर वन माइनस एन, क्योंकि एन यहां पर एक से कम है। अगर एन एक से कम है तो पावर में नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने इसको नीचे ले गया। अब यहां पर साफ है कि जैसे जैसे डी यू बाई डी वाई बढ़ेगा वैसे वैसे अपरेंट विस्कोसिटी जो है यहां पर कम होगी। जैसे जैसे डी यू बाई डी वाई बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी अपरेंट विस्कोसिटी है वो कम होती चली जाएगी। तो यहां पर सीधी सी बात है कि जैसे जैसे आप डिफॉर्मेशन दोगे दिस टाइप ऑफ फ्लूड क्या होते जाएंगे, थिन होते जाएंगे। तो ऐसे फ्लूड के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे दही है, केचप्स है, आपका ब्लड है, मिल्क है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सूडो प्लास्टिक फ्लूड। कफ सिरप है, ये सारे के सारे जो फ्लूड है दैट इज नोन एज सूडो प्लास्टिक फ्लूड। तो इनके अंदर अगर आप डिफॉर्मेशन दोगे तो इनमें पतलापन आता चला जाता है, ये पतले होते चले जाते हैं, इनकी विस्कोसिटी कम होती चली जाती है, इनका फ्लो ईजी होता चला जाता है, ईजिली ये फ्लो करने लग जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फ्लूड बेसिकली नोन एज सूडो प्लास्टिक फ्लूड, बेसिकली नोन एज सूडो प्लास्टिक फ्लूड। ओके, तो अगर मैं यहां पर सूडो प्लास्टिक फ्लूड के लिए शियर स्ट्रेस और डी यू बाई डी वाई के बीच में कर्व बनाऊं, अगर मैं सूडो प्लास्टिक फ्लूड के लिए शियर स्ट्रेस और डी यू बाई डी वाई के बीच में कर्व बनाऊं या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बीच में कर्व बनाऊं, तो ये ऐसा कर्व आएगा जिसका स्लोप जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। द कर्व विल बी लाइक दिस, इसका स्लोप जो है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर जो विस्कोसिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और इस कर्व पर जो विस्कोसिटी है दैट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द कर्व, तो विस्कोसिटी कर्व होगी तो स्लोप भी कम होगा, तो ये इस तरह का कर्व बनता है यहाँ पर। तो अगर आपको स्लोप देखना है तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे स्लोप जो है वो कम होता चला जा रहा है यहाँ पर, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड थीटा 4। तो यू कैन सी दैट कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे डी बाई डी वाई इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इस कर्व का स्लोप कम होता जा रहा है। इसीलिए इस फ्लूड को हम बोलते हैं सूडो प्लास्टिक फ्लूड और शियर थिनिंग फ्लूड। तो ऐसे फ्लूड जिनके अंदर विस्कोसिटी दैट इज सूडो प्लास्टिक फ्लूड, विस्कोसिटी डिफॉर्मेशन के साथ कम होती चली जाती है, नोन एज सूडो प्लास्टिक फ्लूड। तो ऐसे फ्लूड के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बहुत दो फेमस एग्जाम्पल हैं, पहला है ब्लड, दूसरा है मिल्क, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे कि केचप है, कफ सिरप है, ठीक है, तो ये सब आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, कफ सिरप केचप, तो आप अपने हिसाब से बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे तो हैं, कितने सारे लिखाएंगे। सो ब्लड मिल्क कोलाइडल सोल्यूशन पेपर पल्प कफ सिरप, ठीक है, कफ सिरप केचप मेयोनीज, जितने भी ये एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे जो है मैं अभी आप इसको बताता हूँ डायग्राम के थ्रू, यू नो दैट। ये देखिए आप, ये सॉस है, चॉकलेट मिल्क है, ये मेयोनीज है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस सूडो प्लास्टिक फ्लूड। जनरली दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द आइसक्रीम वगैरह, सो ये आइसक्रीम तो नहीं होता बेसिकली, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सूडो प्लास्टिक फ्लूड। सो आपको ये इस तरह का बिहेवियर यहाँ पर फ्लूड में जनरली देखने को मिलता है। बट जो जनरली क्वेश्चन आता है उसके लिए दो ही फेमस एग्जांपल है, ब्लड और मिल्क, यहीं से क्वेश्चन आता है, ब्लड और मिल्क से। तो बल्क ब्लड और मिल्क बोथ आर द कोलाइडल, बोथ आर द सूडो प्लास्टिक फ्लूड। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो मिल्क है वो एक सूडो प्लास्टिक फ्लूड है। तो यहाँ पर होता क्या है कि आपका दूध वाला जो है वो कितना भी ईमानदार हो, कितना भी ईमानदार हो, लेकिन आपके घर तक अगर वो दूध लाएगा और दूध बहुत शेक करेगा, इधर उधर हिलेगा डुलेगा, वो चरे में भरेगा, तो आपके घर तक जब दूध आएगा तो ऑलरेडी पतला हो जाता है, ठीक है। इसीलिए लोग जो है दूध लेने जाते हैं जहाँ पर दूध निकलता है, जहाँ पर भैंसे बंधी हुई है, तो वहीं से, क्योंकि उनको लगता है वहाँ पर गाढ़ा दूध मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपका दूध वाला चाहे कितना भी ईमानदार हो अगर वो आपके घर तक लाता है दूध तो ऑलरेडी पतला हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ सूडो प्लास्टिक फ्लूड, व्हेन इट डिफॉर्म इसकी विस्कोसिटी कम होती चली जाती है। ओके, तो वो कितना भी ईमानदार हो आपको वो दूध अपना पतला हो जाएगा। इसी चीज़ का वो एडवांटेज भी उठाते हैं कि जब वो लाते हैं तो उसमें पानी और ज़्यादा मिला देते हैं वो लोग। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द सूडो प्लास्टिक फ्लूड। सिमिलरली आपने एक एग्जाम्पल देखा ब्लड का, तो ब्लड जब आप कभी ब्लड टेस्ट कराने गए हों तो आपने देखा होगा कि जैसे ही नर्स आपका ब्लड लेती है ट्यूब में तो उसको ऐसे शेक करती है। वो शेक क्यों कर रही है भाई, मिला रही है क्या उसको, हिला के मिलाएगी क्या उसको, नहीं। वो शेक इसलिए करती है क्योंकि ब्लड शेक करने से थोड़ा पतला हो जाता है, पतला होने से क्या होता है आप उसको इजीली दो तीन जगह उसको निकाल सकते हो, जिससे कि लॉस नहीं होगा ब्लड का, उसको आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाओगे क्योंकि ब्लड इज ऑल्सो अ सूडो प्लास्टिक फ्लूड। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सूडो प्लास्टिक, दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ द सूडो प्लास्टिक फ्लूड जो कि मैंने बताया। तो ब्लड है, मिल्क है, कोलाइडल सोल्यूशंस है, कफ सिरप है, ठीक है, केचप्स हैं, मेयोनीज हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं तुम्हारे सूडो प्लास्टिक, योगर्ट है, दही है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है सूडो प्लास्टिक फ्लूड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, मड है, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो कि सूडो प्लास्टिक फ्लूड के हैं, ठीक है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये बिहेवियर कैसे आ रहा है, ये तो हमें समझ में आ गया कि सर सूडो प्लास्टिक फ्लूड होते हैं, तो आपको पता चल गया कि सर सूडो प्लास्टिक फ्लूड में विस्कोसिटी डिफॉर्मेशन कम हो जाती है, डायलेटेड फ्लूड में विस्कोसिटी डिफॉर्मेशन बढ़ती है, गाढ़े होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, मैंने अभी बताया, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वाई ऐसा क्यों हो रहा है, वाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो जितने भी हमारे पास फ्लूड हैं जो कि रिहोलॉजिकल बिहेवियर शो करते हैं, डायलेटेड होते हैं या सूडो प्लास्टिक होते हैं, वो बेसिकली उनके अंदर कुछ ना कुछ इमल्शंस होते हैं। इनके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है लिक्विड पार्ट और एक होता है जो कि इसके अंदर मिक्स हो रहा है, एंड जनरली मिक्स जो सॉलिड पार्टिकल मिक्स होते हैं। जैसे कि मैं अब दूध का एग्जाम्पल तुम्हें मैंने दिया था, दूध जो है रियोलॉजिकल बिहेवियर शो करता है, और दूध क्या है आपका, दूध एक सूडो प्लास्टिक फ्लूड है। तो दूध में आपने देखा होगा कि दूध को अगर आप एक दिन तक छोड़ दो कंटेनर के अंदर, तो दूध में जो पार्टिकल फैट पार्टिकल वो नीचे जमा हो जाते हैं, साइड्स भी जमा हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, दूध में अंदर दो कंपोनेंट है, एक फैट पार्टिकल है और एक जो है प्योर जो लिक्विड दूध है वो है,
तो बेसिकली जितने भी रियोलॉजिकल फ्लूड हैं, मैंने आपको अभी भी इस डेफिनेशन में समझाया था कि जितने भी रियोलॉजिकल फ्लूड हैं, दे विल हैव टू पार्टिकल्स, दे विल हैव आर टू पार्टिकल, दे आर जनरली इमल्शंस होते हैं या कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं, दे आर जनरली इमल्शन और कोलाइडल सोल्यूशन। तो उनके अंदर एक सॉलिड पार्टिकल्स का पोर्शन होगा, या डेफिनेटली बेटा मैकेनिक्स, नाम ही मैकेनिक्स है तो न्यूमेरिकल ही आएंगे, या गेट में तो न्यूमेरिकल ही आते हैं बेटा। अब ये जो रियोलॉजिकल बिहेवियर है, ये इन पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। होता क्या है, देखो एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ। देखो पार्टिकल्स की ग्रेन अगर इस तरह से ऑर्गेनाइज है, मतलब जब आप इसको डिफॉर्म करोगे, देखो ग्रेन्स एक के ऊपर, इसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ क्योंकि ये मटेरियल साइंस में बहुत इसको अलग से स्टडी करते हैं हम लोग स्लिप प्लेन वगैरह से, क्योंकि मटेरियल में भी दो तरह के बिहेवियर होते हैं, एक तो डक्टाइल बिहेवियर होता है, एक ब्रिटल बिहेवियर होता है। जैसे कि एक बिस्कुट है और एक रबड़ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिस्कुट एंड रबड़? बिस्कुट में अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो सडनली ब्रेक होगा, एंड दे विल नॉट डिफॉर्म बिफोर द ब्रेकिंग, ब्रेकिंग पॉइंट आने से पहले वो डिफॉर्म नहीं करता, जबकि हमारा रबड़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिफॉर्म करता है बिफोर द ब्रेकिंग एंड नेकिंग उसके अंदर डेवलप होता है। तो ये दो तरह के बिहेवियर होते हैं आपके सॉलिड के अंदर। तो ये जो बिहेवियर हम लोग समझाते हैं इन द मटेरियल साइंस, वी एक्सप्लेन दैट बिहेवियर बाय द स्लिप प्लेन्स। अब स्लिप प्लेन क्या होते हैं, वो थ्योरी बहुत लंबी है, उसके बारे में हम कभी जब मटेरियल साइंस वगैरह के बारे में बात करेंगे तब बात करेंगे। इसीलिए FCC, BCC और BC स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो उनके अंदर अलग अलग स्लिप प्लेन होते हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि कोई चीज़ अगर FCC, तो बेसिकली व्हाट हैपन, जनरली हमारे जो लिक्विड्स हैं उनके अंदर इस तरह के ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स ऑर्गेनाइज होते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता इनके पास, बिल्कुल इस तरह के ग्रेन्स होते हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सोचिए अगर ग्रेन इस तरह से ऑर्गेनाइज है तो होगा क्या कि अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तो इजीली एक ग्रेन दूसरी ग्रेन के ऊपर क्या करेगा, स्लिप करेगा, और ये इजीली डिफॉर्म होते चले जाएंगे, खिसते चले जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली डिफॉर्मेशन के अंदर हो जाएगा अगर ग्रेन आपका इस तरह से ऑर्गेनाइज है। तो इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होगा दैट इज इजी डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन। अब सिंपल सी बात है, अगर दूसरी कंडीशन हम यहाँ पर बात करें कि ग्रेन्स अगर डिसऑर्गेनाइज हो जाए, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए दो ग्रेन ऐसे रखी है और तीसरी वाली इनके अपोजिट रखी है जस्ट, फिर ये ऐसे आपकी अपोजिट रखी है, दो ग्रेन ऐसे रखी है आपकी, तीसरी वाली ऐसे रखी हुई है, बिल्कुल रैंडमली डिसऑर्गेनाइज हो जाए, तो एक बार बताओ माय डियर कि अगर इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब रैंडमली डिसऑर्गेनाइज ये हो जाएगी, तो होगा क्या कि सपोज ये जो ग्रेन है एक दूसरे को स्लिप करेंगे, करना चाहेगी, लेकिन जो दूसरी वाली ग्रेन है वो इसको स्टॉप करेगी, तो इनका जो मूवमेंट है वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि डिफॉर्म होने के लिए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करनी चाहिए, बट यहाँ पर ये स्लाइडिंग रुक गई है, क्योंकि इनको स्लाइड अगर करना है तो पहले ये आगे वाली ग्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये इस तरह की स्लाइडिंग यहाँ पर रुक जाती है। तो अगर हम मटेरियल की बात करें कि एक मटेरियल ब्रिटल है और एक मटेरियल डक्टाइल है, तो रबड़ के अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि ग्रेन जो है एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ऐसे ऑर्गेनाइज होगी कि जब हम उसको खींचेंगे तो एक दूसरे के ऊपर स्लिप करके मटेरियल को डिफॉर्म करेगी, जबकि इस कंडीशन में जो बिस्कुट है, जो ब्रिटल मटेरियल है, तो आप इसको डिफॉर्म करना चाहोगे, लेकिन डिफॉर्म तो ये तब होगी जब ये इसके ऊपर स्लाइड करेगी, तो ये डिफॉर्म नहीं होगी क्योंकि दूसरी ग्रेन जो है इनके मूवमेंट को स्टॉप करेगी। ठीक है, तो जब एक ग्रेन के मूवमेंट को दूसरी ग्रेन या स्लिप मूवमेंट को दूसरी ग्रेन स्टॉप करती है तो फिर वहां पर एक ब्रिटल बिहेवियर शो होता है। इसका मतलब अब यहाँ पर जो मूवमेंट है वो इजी नहीं होगा, द बिहेवियर विल बी लाइक ब्रिटल बिहेवियर की तरह ये काम करेंगे। अब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक फ्लूड है डायलेटेड फ्लूड,
डायलेटेंट फ्लूड। तो डायलेटेंट फ्लूड वो फ्लूड होंगे, सपोज डायलेटेंट फ्लूड है, डायलेटेंट फ्लूड है, तो डायलेटेंट फ्लूड वो फ्लूड होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, सपोज वी आर प्रोवाइडिंग अ डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन देने से अगर ग्रेन जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो गई, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में डिसऑर्गेनाइज हो गई, एक दूसरे के मूवमेंट को अगर वो अपोज करने लग गई, ठीक है, अभी ग्रेन किसकी होगी, सॉलिड पार्टिकल की, जो सस्पेंडेड पार्टिकल इसके अंदर है, तो सस्पेंडेड पार्टिकल इस तरह से ऑर्गेनाइज हो गए कि एक जो पार्टिकल एक दूसरे के मोशन को अपोज करने लगे, एक दूसरे पे अभी स्लिप नहीं कर रहे, ये जब स्लिप करेगा तो दूसरा इसको अपोज करेगा, अगर इस तरह से ये ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, इस तरह से वो मोशन को अपोज करने लगेंगे, तो फिर बिहेवियर जो होता है वो डायलेटेंट हो जाएगा। तो डिफॉर्मेशन देने से अगर आपकी जो ग्रेन्स है वो डिसऑर्गेनाइज होने लगेगी, वो मोमेंट को, दूसरी ग्रेन के मोमेंट को अगर स्टॉप करने लगेगी, तो फिर आपको और ज़्यादा डिफॉर्मेशन देने के लिए और डिफॉर्म करने के लिए यू रिक्वायर्ड हायर फोर्स, बिकॉज ये डिफॉर्म तब करेगा जब यू वांट टू, यू कैन क्रैक दिस ग्रेन, और अगर आप इस ग्रेन को यहाँ से हटा पाए तभी ये डिफॉर्म करेगा। तो अगर इस तरह का कोई बिहेवियर होता है कि जब हमने डिफॉर्म किया, डिफॉर्म होने से जो ग्रेन्स उसके अंदर हैं या फिर हम बोले पार्टिकल्स उसके अंदर हैं, अगर वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो फिर आपका जो फ्लूड है वो डायलेटेंट फ्लूड हो जाता है, वो आपका शियर थिकनिंग फ्लूड हो जाता है, उसमें डिफॉर्मेशन देने के लिए तुम्हें और ज्यादा आपको स्ट्रेस देना पड़ता है। तो ये अगर लेकिन ऐसा हुआ कि आपने शेक किया और बिकॉज ऑफ शेकिंग आपकी जो ग्रेन्स है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज फैशन में जम गई, तो अब क्या है, ग्रेन जो है वो इजिली डिफॉर्म हो जाएगी, इजिली स्लिप करेगी एक दूसरे के ऊपर। तो जब ग्रेन इजिली स्लिप करेगी एक दूसरे के ऊपर, तो नाउ यू डोंट रिक्वायर्ड हायर शेयर स्ट्रेस, बिकॉज अगर आपका पहले डिसऑर्गेनाइज थी, अब ऑर्गेनाइज हो जाएगी, होती जाएगी, तो अब आपका जो मूवमेंट है ग्रेन्स का वो इजी हो जाएगा, और अगर इजी मूवमेंट हो जाता है ग्रेन का, तो यू रिक्वायर्ड लेस शेयर स्ट्रेस टू मेंटेन द डिफॉर्मेशन। तो जो भी सूडो प्लास्टिक फ्लूड है जिनकी विस्कोसिटी, सूडो प्लास्टिक फ्लूड जिनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है विद डिफॉर्मेशन, उसके अंदर क्या होता है कि जब आप डिफॉर्म करते हो तो ग्रेन ऑर्गेनाइज हो जाती है, जिसकी वजह से एक ग्रेन दूसरे के ऊपर इजिली स्लाइड कर जाएगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी आएगा कि सर ग्रेन क्या होती है, भाई सिंपल सी बात है, सॉलिड पार्टिकल्स को ग्रेन कहते हैं, और क्या, जो सस्पेंडेड पार्टिकल इसके अंदर है उनको ही ग्रेन्स कह रहे हैं हम लोग, सस्पेंडेड पार्टिकल जो इनके अंदर है उसी को ग्रेन कह रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर इसको मैं बहुत ही डिटेल में इसको मैं समझाऊँ, तो बेसिकली होता क्या है, अगर सॉलिड्स की बात करें तो कोई भी सॉलिड जो बना होगा वो लिक्विड से बना होगा, ओके, लिक्विड से बना होगा, कोई भी जो सॉलिड होता है वो लिक्विड से बना है। तो जब लिक्विड सॉलिडफाई होगा तो क्या होगा, अलग अलग जगह पर सॉलिडिफिकेशन होना स्टार्ट होता है, एक जगह ऐसा नहीं है एक जगह से स्टार्ट होगा, तो अलग अलग जगह सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है, अलग अलग जगह से सॉलिडिफिकेशन होना स्टार्ट होता है, ओके, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं, वो हम आगे बात करेंगे कभी। फिर उसके बाद ये जो अलग अलग जो टापू बन गए छोटे छोटे, ये लिक्विड्स के अंदर ये डेवलप होते हैं, ये बढ़ते हैं, ओके, और उसके बाद आपका इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। आफ्टर दैट ये जो ग्रेन्स है वो इस तरह की ऑर्गेनाइज हो जाती है लाइक दिस, इस तरह से आपकी ग्रेन्स बन गई, ये जो टापू है आपस में मिक्स हो गए। अब क्या होता है, जब ये ग्रेन्स एक दूसरे में मिक्स होते हैं तो होता क्या है कि जब ये आपस में टकराएंगे, सो दे विल एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे के ग्रोथ को ये रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से जहाँ पर ये मिल रहे हैं वहाँ पर उस सरफेस पर क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो हाई हो जाती है, क्योंकि क्या होगा, ये आगे बढ़ना चाहेगा, ये भी आगे बढ़ना चाहेगा, तो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे मूवमेंट को, एंड बिकॉज ऑफ दैट इस सरफेस पर जो है एनर्जी बहुत हाई होती है, इस सरफेस पर जो एनर्जी बहुत हाई होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेन बाउंड्री, इसी को कहते हैं ग्रेन बाउंड्री, ओके, इसी को कहते हैं हम लोग ग्रेन बाउंड्री। सो अगर तो ग्रेन बाउंड्री कहते हैं, तो इजीली अगर आपका मटेरियल कोरोड हो रहा है या फिर उसमें जंग जल्दी लग रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर ज्यादा मतलब ग्रेन बाउंड्री जो है वो आपकी ज्यादा है। तो सपोज अगर हमारे पास मटेरियल होता है जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्स है, ग्रेन्स अगर स्मॉल है, स्मॉलर ग्रेन है, फाइन ग्रेन है, तो उसके अंदर कोरोजन आसानी से हो जाएगा, जंग आसानी से लगेगा, क्योंकि जो भी कोरोड मटेरियल है वो अटैक कहाँ पर करेंगे, ग्रेन बाउंड्री पर करेंगे, क्योंकि ग्रेन बाउंड्री पर एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज टू सर्वाइव यहाँ पर क्या होता है, दोनों ग्रेन एक दूसरे से लड़ती है। सिमिलर, अब ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, छोड़ो मैं, यहाँ तक बात समझ में आ गई, अरे यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई,
तो इस तरह का जो बिहेवियर है दैट इज नोन एज सूडो प्लास्टिक बिहेवियर और डायलेटिव। तो जब तक ग्रेन जो है वो एक दूसरे से मतलब ऑर्गेनाइज नहीं हो जाती तब तक ये बिहेवियर शो होता है, उसके बाद फिर बिहेवियर शो होना बंद हो जाता है, या तो डिसऑर्गेनाइज हो जाए कम्प्लीटली या ऑर्गेनाइज हो जाए कम्प्लीटली, उसके बाद ये बिहेवियर बंद हो जाता है, उसके बाद ये बिहेवियर जो है वो बंद हो जाता है। इसीलिए देखा आप इसके बाद ये जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ओके स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, फिर द स्लोप विल नॉट चेंज, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो स्लोप यहाँ पर फिर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये बिहेवियर जो है यहाँ पर भी देखना ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, उसके बाद इसका स्लोप जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, उसके बाद ये स्लोप नहीं बढ़ेगा। एक लिमिट तक ही ये बिहेवियर शो करेंगे, एक लिमिट तक ही विस्कोसिटी आपकी बढ़ेगी या घटेगी, एंड इट विल टोटली डिपेंड ऑन कि गेन कितना ऑर्गेनाइज हो रहा है कितना डिसऑर्गेनाइज हो रहा है। तो मैंने जैसे शुरू में आपको कहा था कि जो रियोलॉजिकल बिहेवियर जनरली फ्लूड शो करते हैं उनके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, उनके अंदर दूसरे मॉलिक्यूल सॉलिड मॉलिक्यूल्स की ग्रेन होती है, अगर वो सॉलिड मॉलिक्यूल की ग्रेन ऑर्गेनाइज फैशन में आ जाती है आफ्टर द डिफॉर्मेशन तो फिर वो सूडो प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लग जाते हैं, अगर वो डिसऑर्गेनाइज फैशन में आ जाती है आफ्टर डिफॉर्मेशन तो वह डायलेटेड बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स। ओके सो दिस इज हाउ डेप्थ, इतना डेप्थ हमने इसको बताया। ओके चलिए ओके तो कभी मटेरियल साइंस वगैरह पढ़ने का मौका मिला तो हम लोग उसमें इस बिहेवियर को जो मैं अभी थोड़ा थोड़ा बता रहा था तो और ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ग्रेन्स होती है, कैसे ब्रिटल मैटर बिहेवियर होता है, कैसे डक्टाइल बिहेवियर होता है। या अनअकैडमी पर कर रहे हैं या नहीं पता, लेकिन मैं इस चैनल पर करूँगा जरूर। अगर मैंने स्टार्ट किया है फ्लूड मैकेनिक्स सो आई विल कवर दिस। तो ऑल मैंने भी पहले भी बोला था लेक्चर जब स्टार्ट किया था कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फाइनेंशियली बट दे वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, लेकिन स्टार्ट विद दिस क्लास बिकॉज आई विल कवर ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूड मैकेनिक्स एंड इट विल बी सफिशियंट फॉर द ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम हैपन इन द इंडिया। जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होंगे चाहे वो आई एस ओ गेट हो, चाहे वो ई एस ओ, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है इंडिया में, उसके लिए मोर देन सफिशियंट होगा। तो जब मैं आपको पढ़ा दूंगा कोई टॉपिक और आपको जानना है कि कितना क्वालिटेटिवली आपको पढ़ाया गया है तो आप जाके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और आपको प्रॉब्लम आए तो बताना, वैसे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको एज ए क्लास लीजिए, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है आपके नोट्स प्रॉपर बनाइए, कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके आई विल बी अवेलेबल फॉर दैट, बाकी प्लेटफॉर्म का मुझे नहीं पता बट आई विल कवर विकास। ओके सो चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक जो मैंने आपको बोला, ठीक है। चलिए अब आता है आपका बिंघम प्लासन। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने कल ही कराए थे यार, कल वाली क्लास जाके देखो ना यार, प्रैक्टिस क्वेश्चन कल कितने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन पता भी है तुमको, कितने क्वेश्चन पढ़ाए विस्कोसिटी पे मैंने, कल विस्कोसिटी पे मैंने कितने सारे क्वेश्चन कराए बता, कल विस्कोसिटी पे इतने सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। प्रैक्टिस की बात करो, ये देखो इतने सारे क्वेश्चन कराए थे विस्कोसिटी, ये देखो सारे टाइप की वैरायटी कवर कराई थी कल, कल वाली क्लास तो देखो मेरी एक बार जाके, सारे वैरायटी कवर कराई थी मैंने विस्कोसिटी पे, जितनी भी वैरायटी आती ना सारी कवर कराई थी, एक एक पॉइंट पर डेरिवेशन कराया मैंने विस्कोसिटी। तो जाके कल वाली क्लास देखिए यार, वो पड़ी हुई है प्ले लिस्ट में, आप जाके देखिए, उसमें मैंने सब कराया हुआ उस पर। ओके क्रिप्टो, चलिए आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके अब आता है नेक्स्ट, आता है बिंघम प्लास्टिक फ्लूड। तो नेक्स्ट इज बिंघम प्लास्टिक फ्लूड, नेक्स्ट इज बिंघम प्लास्टिक फ्लूड, वेरी इंटरेस्टिंग फ्लूड इट इज, मुझे पर्सनली बड़ा मजा आता है इसको। सो व्हाट इज द बिंघम प्लास्टिक फ्लूड, इसको हम आइडियल प्लास्टिक भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज इट इज आइडियल प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक। अब बिंघम प्लास्टिक के अंदर जो कंडीशन होती है वो ये होती है, इसके अंदर n इक्वल टू होता है 1, ग्रेटर देन 1 देख लिया, लेस देन 1 देख लिया, और यहाँ पर होता है बीटा नॉट इक्वल टू 0। तो दिस टाइप ऑफ फ्लूड इज नोन एज बिंघम प्लास्टिक फ्लूड, दिस इज नोन एज बिंघम प्लास्टिक फ्लूड। सो या
अब देखिए इस फ्लूड में जो मजेदार चीज ये है कि अगर आप इसके लिए जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो टो इक्वल टू क्या आएगा, ए डू बाई डी वाई की पावर एन तो वन है प्लस, तो ये जो इक्वेशन बन रही है दैट इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन बन रही है। इसका मतलब दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप जो है ए इज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, तो ये कॉन्स्टेंट होगा। इसका मतलब अगर मैं बिंघम प्लास्टिक के लिए एक कर्व बनाऊंगा, बिंघम प्लास्टिक के लिए मैं कर्व बनाता हूं तो वो कर्व मेरा कैसे बनेगा, अगर मैं बिंघम प्लास्टिक के लिए कर्व बनाऊंगा तो ये मेरा कर्व होगा लाइक दिस, दिस इज माय कर्व। अब देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर जो है वो बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और बी नॉट इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो होने का मतलब ये है कि यू रिक्वायर सर्टेन शियर स्ट्रेस टू स्टार्ट द फ्लो। आपको अगर फ्लो स्टार्ट करना है तो आपको कुछ ना कुछ इनिशियल में शियर स्ट्रेस देना पड़ेगा, दैट इज टो नॉट विच इज इक्वल टू बी, उसके बाद आपका फ्लो स्टार्ट होगा। तो ऐसे फ्लूड जिनमें इनिशियली यू रिक्वायर सर्टेन शियर स्ट्रेस टू फ्लो द फ्लूड, दैट टाइप ऑफ फ्लूड इज नोन एज बिंघम प्लास्टिक फ्लूड, दैट टाइप ऑफ फ्लूड बेसिकली नोन एज बिंघम प्लास्टिक फ्लूड, दिस इज नोन एज आइडियल प्लास्टिक। इसको आइडियल प्लास्टिक भी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि एक मजेदार बिहेवियर ये शो कर रहा है कि इट कैन रजिस्टर शियर स्ट्रेस, और फ्लूड में भी सॉलिड में भी एक बिहेवियर होता है, सॉलिड में भी एक बिहेवियर होता है कि सॉलिड कैन रजिस्टर स्मॉल शियर स्ट्रेस। अरे भाई अगर कोई सॉलिड है सो इट कैन रजिस्टर स्मॉल शियर स्ट्रेस और नॉट, इट विल नॉट फ्लो अंडर इट्स ओवन वेट, इट विल नॉट डिफॉर्म अंडर इट्स ओवन वेट, सम सॉलिड विच इज रिजिड कैन रजिस्टर स्मॉल शियर स्ट्रेस एंड दिस फ्लूड विच ऑल्सो कैन रजिस्टर स्मॉल शियर स्ट्रेस, विदाउट दिस शियर स्ट्रेस दिस फ्लो इज नॉट गोइंग टू हैपन, द फ्लो इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट एट ऑल। तो ये जो फ्लूड है ये जो है वो एक स्मॉल शियर स्ट्रेस को रजिस्टर कर सकता है, तो कहीं ना कहीं ये एक सॉलिड की तरह भी काम करता है। बट जब ये डिफॉर्म होता है तो डिफॉर्म ये एक न्यूटोनियन फ्लूड की तरह होता है, क्योंकि यहाँ पर जो विस्कोसिटी है या स्लोप है इस कर्व का वो कॉन्स्टेंट है, सो इट विल डिफॉर्म लाइक अ न्यूटोनियन फ्लूड। और जब इसका डिफॉर्मेशन होगा तो वट एवर डिफॉर्मेशन इट विल हैव इट विल बी द परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये कैसा डिफॉर्मेशन होगा, परमानेंट होगा, क्योंकि फ्लूड एक बार डिफॉर्म हो गया तो हो गया, उसके बाद वापस तो वो अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं करता, तो इसमें जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो परमानेंट होगा। प्लस इट विल रिक्वायर सर्टेन इनिशियल शियर स्ट्रेस टू फ्लो दिस या टू डिफॉर्म, तो इसलिए ये बहुत ही मजेदार फ्लूड है। तो जितने भी टूथपेस्ट हैं, कोल्ड क्रीम है, ये सारे के सारे जो भी टूथपेस्ट, कोल्ड क्रीम, टूथपेस्ट, कोल्ड क्रीम, ये सारे के सारे जो फ्लूड है दैट आर अ बिंघम प्लास्टिक फ्लूड। क्योंकि अगर आप टूथपेस्ट की बात करो तो टूथपेस्ट को अगर आपको फ्लो कराना है तो यू रिक्वायर सर्टेन शियर स्ट्रेस, हाथ से आपको उसको मलना पड़ेगा तभी वो फ्लो करेगा। अपने आप अगर आप उसको फूक देते हो, स्मॉल शियर स्ट्रेस देते हो, सो इट इज नॉट गोइंग टू फ्लो एट ऑल। जबकि मैंने भी आपको बोला था कि जितने भी फ्लूड है लाइक सूडो प्लास्टिक फ्लूड, लाइक डायलेटेड फ्लूड, लाइक न्यूटोनियन फ्लूड, जहां पर बी इक्वल टू जीरो है, दे विल फ्लो अंडर वेरी स्मॉल शियर स्ट्रेस ऑल्सो, दे विल फ्लो अंडर वेरी स्मॉल शियर स्ट्रेस ऑल्सो बिकॉज दे कैन नॉट रजिस्टर शियर स्ट्रेस। But the fluid which is known as Bingham plastic fluid can resist a small shear stress like toothpaste, cold cream. अगर आप उसको हाथ पे रख रहे हो और हाथ पे रख के अगर फूंक मार रहे हो ओके अगर आप अभी अभी बताता हूं कंसेप्चुअल पैरामीटर गेट एंड एसी, आई विल जस्ट क्लियरिफाई योर डाउट। उसके लिए मैं एक क्लास भी अरेंज कर दूंगा यार, आजकल बच्चे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आके यही डाउट पूछ रहे हैं। या अभी भी मैं बता दूंगा आपको, कोई बात नहीं। सो जस्ट अभी मेरे को फोकस करने दो इस पर। तो अगर आप यहाँ पर बहुत स्मॉल शेयर स्ट्रेस दे रहे हो तो अंडर द वेरी स्मॉल शेयर स्ट्रेस इज नॉट गोइंग टू फ्लो एट ऑल, इज नॉट गोइंग टू फ्लो एट ऑल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिंघम प्लास्टिक एंड सूडो प्लास्टिक, न्यूटोनियन फ्लूड एंड डायलेटेड फ्लूड, इज दैट बिंघम प्लास्टिक फ्लूड कैन ऑल्सो हैव अ डेफिनेट शेप विदाउट एनी कंटेनर। बिना कंटेनर के भी बिंघम प्लास्टिक फ्लूड को आप हाथ पे रख सकते हो, पानी को नहीं रख सकते, क्योंकि पानी को अगर तुमने हाथ पे रखा और थोड़ा सा भी आपने हाथ को हिला दिया तो पानी फ्लो करने लगेगा, डिफॉर्म होने लगेगा। जबकि अगर टूथपेस्ट को हाथ पे रख रहे हो सो इट विल नॉट डिफॉर्म। आप इसको ऐसे करोगे इट विल नॉट डिफॉर्म, सर्टेनली इट विल नॉट डिफॉर्म, बहुत ही पतला है तो ही डिफॉर्म करेगा। सो माय डियर फ्रेंड बात यह है कि ये इट कैन रजिस्टर स्मॉल शेयर,
और जितने भी फ्लूड है एक बार डिफॉर्म करते हैं तो परमानेंट डिफॉर्म करते हैं, और जब सॉलिड एक परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करता है तो उसको एक प्लास्टिक कहते हैं हम लोग, तो इसीलिए इसको भी हम आइडियल प्लास्टिक कहते हैं, बिकॉज इट विल सर्टेनली बिहेव लाइक अ सॉलिड एंड इट विल डिफॉर्म परमानेंटली अंडर द शेयर स्ट्रेस एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइडियल प्लास्टिक. सो इट विल समथिंग लुक लाइक द आइडियल प्लास्टिक बिकॉज इट डिफॉर्म परमानेंटली अंडर द सर्टेन शेयर स्ट्रेस एंड रिक्वायर सर्टेन शेयर स्ट्रेस टू फ्लो एंड इट कुड हैव ऑल्सो अ डेफिनेट शेप ऑल्सो, इसका कुछ शेप भी हो सकता है. एंड इट कैन रजिस्टर स्मॉल शेयर स्ट्रेस एंड दिस टाइप ऑफ फ्लूड इज नोन एज बिंगम प्लास्टिक फ्लूड. तो जितनी भी एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की बात करें तो टूथपेस्ट, कोल्ड क्रीम, ठीक है, टूथपेस्ट और कोल्ड क्रीम, जितने भी हमारे पास कोल्ड क्रीम है, टूथपेस्ट है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है. जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इस डायग्राम से ही शो कर देता हूँ, ये ओके, तो दिस इज द टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट, कोल्ड क्रीम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑल द बिंगम प्लास्टिक फ्लूड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द बिंगम प्लास्टिक फ्लूड. ओके चलिए चलिए, जितने भी क्रीम वगैरह हैं, टूथपेस्ट हैं, वो सारे के सारे बिंगम प्लास्टिक फ्लूड का एग्जाम्पल है. चलिए कंसेप्चुअल पैरामिड, आर यू देयर और नॉट, आर यू देयर, कंसेप्चुअल पैरामिड, आर यू देयर और नॉट, इफ यू आर देयर देन आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, बट इफ यू आर नॉट देयर आई कांट हेल्प यू. चलिए आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके यहां तक समझ में आ गया. उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज टाइम डिपेंडेंट फ्लूड. दैट इज नोन एज टाइम डिपेंडेंट फ्लूड. सो कुछ फ्लूड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी टाइम के साथ वेरी करती है, दे आर नोन एज टाइम डिपेंडेंट फ्लूड. अ फ्लूड इन विच विस्कोसिटी विल वेरी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज टाइम डिपेंडेंट फ्लूड. अब इस कैटेगरी में दो तरह के फ्लूड आते हैं. वन इज नोन एज थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड, अदर इज नोन एज रिहोपैक्टिक फ्लूड. ओके थिक्सोट्रॉपिक और रिहोपैक्टिक दोनों ही नाम से डिपेंडेंट हैं. टिक टिक मतलब टाइम डिपेंडेंट फ्लूड. तो थिक्सोट्रॉपिक एंड रिहोपैक्टिक बोथ आर टाइम डिपेंडेंट फ्लूड. गौर से देखिएगा, ठीक है. तो अगर इन फ्लूड का डायग्राम हम शेयर स्ट्रेस या विस्कोसिटी वर्सेस टाइम एक्सिस के बीच में बनाए, विस्कोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में, तो अभी जो हमने फ्लूड पढ़े थे लाइक डायलेटेंट फ्लूड और सूडोप्लास्ट, ये सब टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड है. तो कुछ फ्लूड ऐसे होते हैं जिनकी विस्कोसिटी टाइम के साथ वेरी नहीं करती. और कुछ फ्लूड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी या तो टाइम के साथ कम हो जाती है लाइक दिस, या फिर टाइम के साथ बढ़ जाती है. जिनकी विस्कोसिटी टाइम के साथ कम हो जाती है, दिस फ्लूड इज नोन एज थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड. उन फ्लूड्स को हम कहते हैं थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड. और जिन फ्लूड की विस्कोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो जाती है, दिस फ्लूड इज नोन एज रिहोपैक्टिक फ्लूड. एंड द फ्लूड जिसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी, दैट फ्लूड बेसिकली नोन एज टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड. तो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड इज अ फ्लूड जिनकी विस्कोसिटी टाइम के साथ कम होती है, एंड रिहोपैक्टिक फ्लूड वो फ्लूड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी टाइम के साथ बढ़ती है. अब देखिए, अगर इनका हम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और क्या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेस के बीच में कर्व ड्रॉ करें, तो अगर हम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेस के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं फॉर दिस टू फ्लूड, देखिए कैसा आता है.
सो इनका जो कर्व आता है वो ये आता है, देखो ये जो फ्लूड है इसका देखो डिफॉर्मेशन के साथ शेयर स्ट्रेस कम होता जा रहा है, तो ये है आपका एक्सोट्रॉपिक फ्लूड, और ये फ्लूड जिसकी डिफॉर्मेशन विस्कोसिटी बढ़ रही है दैट इज नोन एज रिहोपैक्टिक फ्लूड। तो अगर मैं थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड के लिए कंडीशन की बात करूं, अगर मैं कंडीशन की बात करूं थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड, तो यहां पर कंडीशन हमारी बनती है इन केस ऑफ थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड इज दैट, कि सबसे पहले तो एक बात तो आपको समझ में आ रही है कि यहां पर बी जो है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो बी इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज इट रिक्वायर सर्टेन शियर स्ट्रेस टू फ्लो। सेकेंड, इनके अंदर थिक्सोट्रॉपिक में विस्कोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है, तो टिक्सोट्रॉपिक में क्या होता है एन लेस देन वन होता है एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज द कंडीशन ऑफ थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड। नेक्स्ट है हमारा रिहोपैक्टिक फ्लूड, तो रिहोपैक्टिक फ्लूड में क्या हो रहा है, रिहोपैक्टिक फ्लूड में आपका डिफॉर्मेशन के साथ विस्कोसिटी बढ़ रही है, तो एन यहां पर ग्रेटर देन वन है एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इन दिस केस द विद डिफॉर्मेशन विस्कोसिटी विल इंक्रीज, इन दिस केस विद डिफॉर्मेशन विस्कोसिटी विल इंक्रीज। अब इनकी प्रैक्टिकली सर हमें बताओ सर ऐसा कैसे होता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड का जो एग्जांपल है वो है पेंट और है लिपस्टिक, पेंट एंड लिपस्टिक इज अ एग्जांपल ऑफ थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड, और रिहोफैक्टिक फ्लूड का जो एग्जाम्पल है दैट इज जिप्सम सोल्यूशन इन वाटर एंड सेकेंड एग्जाम्पल है प्रिंटर इंक। तो यू कैन सी दिस वी हैव अ टू एग्जाम्पल। अब देखिए थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड को मैं प्रैक्टिकली इस कंडीशन को आपको समझाता हूं, एक फनी एग्जाम्पल से देते हैं, लिपस्टिक से लेते हैं, ठीक है। सब लोग जानते हैं कि सर लिपस्टिक को लगाने के लिए सर कुछ तो फोर्स की जरूरत है, यस और नो, ऐसे थोड़ी लिक्विड लिपस्टिक फैल जाएगी। लिपस्टिक जब लड़कियां लगाती है होठों पे, सो इट रिक्वायर सर्टेन फोर्स टू अप्लाई द लिपस्टिक, यू नो दैट। तो इसका मतलब बी इज नॉट इक्वल टू जीरो हेयर। इसके बाद एक चीज आपने देखी होगी लिपस्टिक का बिहेवियर, कि जब लेडीज लिपस्टिक लगा लेती हैं तो होठों को मलती हैं, वो ऐसे ऐसे करके होठों को मलती हैं, तो वो होठों को इसलिए मलती हैं क्योंकि लिपस्टिक एक थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड का बिहेवियर शो करती है, और जब इनको डिफॉर्मेशन दिया जाता है तो वो थोड़ा सा लाइट हो जाती है, पतली हो जाती है, जिसकी वजह से वो यूनिफॉर्मली फैल जाती है, आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो कभी आपका मन करे, आजकल तो लौंडे लड़कियां बहुत बन रहे हैं, ये शॉर्ट वीडियोस टिकटॉक इन्होंने लोगों को बहुत बिगाड़ दिया है, तो कभी आपका भी मन करे तो आप लगा के देख सकते हैं, यू विल फील दिस बिहेवियर। ज़्यादा ही प्रैक्टिकल चीज करना आ रही है। तो नेक्स्ट कंडीशन ये है, पेंट की बात करें हम लोग, पेंट में अगर आपने किसी ने घर में पुताई की हो तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब पेंट का डब्बा लाते हैं तो काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा दिखता है, एंड ऑब्वियस ही बात है टू अप्लाई द पेंट ऑन द वॉल यू रिक्वायर सर्टेन फोर्स, ऐसे तो अपना आप लग नहीं जाएगा, पानी की तरह तो फ्लो करेगा नहीं, आपको उसमें ब्रश में लेना पड़ेगा, ब्रश में लेके उसको अप्लाई करोगे आप वॉल के ऊपर। तो आपने एक चीज नोटिस यहां पर नहीं की क्या, कि जब पेंट हम लोग लेके आते हैं डब्बे में वो बहुत गाढ़ा सा दिखता है, और जब उसको अप्लाई करते हैं तो ऐसा लगता है जब वो गिरता है फर्श पर तो ऐसा लगता है पानी टपक रहा है, फ्लूड की तरह पानी की तरह वो दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने उसको अप्लाई किया, जब आपने उसको डिफॉर्मेशन दिया तो उसकी विस्कोसिटी कम हो गई मुन्ना, और जब उसकी विस्कोसिटी कम हो गई तो इट विल लुकिंग लाइक कि वो वाटर की तरह आपको दिखने लगता है। इसलिए कभी पेंट वगैरह करने का मौका मिले तो आपको ये बिहेवियर दिखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका रिहोपैक्टिक फ्लूड। तो रिहोपैक्टिक फ्लूड जिप्सम सोल्यूशन इन वाटर, ये जिप्सम सोल्यूशन इन वाटर क्या होता है भैया, ये जिप्सम सोल्यूशन इन वाटर होता है चूने का पानी। चूना अगर आपने कई बार देखा होगा, पुराने टाइम में चूने से पुताई होता हुआ करती थी, और चूने के लिए जो पुताई करने के लिए ब्रश आता था, ब्रश तो आता नहीं था, वो बेसिकली पोछा कहते थे हम लोग उसको, बहुत ज़्यादा हैवी होता था वो, मोटा सा, तो उससे चूने से पुताई की जाती थी।
अब चूने से पुताई करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। क्यों मुश्किल हुआ करता था? क्योंकि चूना जो है, चूना जो जिप्सम सोल्यूशन वाटर है, वो एक रियोपैक्टिव फ्लूड है। जब इसको अप्लाई करते हैं तो इसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है। तो टू अप्लाई इट यूनिफॉर्मली यू रिक्वायर हायर फोर्स। इसमें फोर्स बढ़ता चला जाए, गाढ़ा होता चला जाता है, तो फॉर दैट यू रिक्वायर्ड हायर फोर्स। ओके, तो इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा थकान होती है चूने से पुताई करने में, और उसको पुताई करना भी आसान नहीं होता। एंड सिंपल आप ब्रश से नहीं कर सकते, वो सिंपल जो हल्के हाथ से फेरा जाता है ना ब्रश से, तुम नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें हार्ड ब्रश चाहिए, बहुत हार्ड ब्रश चाहिए होता है। ओके, तो उससे हम लोग इसकी पुताई करते हैं। इसके साथ अगर बात करें प्रिंटरिंग की, तो प्रिंटरिंग तो सब लोग जानते हैं यार। प्रिंटरिंग में अगर 5 दिन, आप 1 महीने तक प्रिंटिंग मत करो, प्रिंटरिंग अपने आप ही सूख जाएगी रखे रखे। अगर आपने प्रिंटिंग की, उसको डिफॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो जिंदा रहेगी। अगर आपने उससे प्रिंटिंग करना बंद कर दिया, वो अपने आप ही कार्टेज में सूख जाती है। इसका मतलब क्या हो रहा है? जो उसकी विस्कोसिटी है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है, उसके पार्टिकल जो है टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं। तो दीज आर द बिहेवियर ऑफ थिक्सोट्रॉपिक एंड रियोपैक्टिव। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा होता है। ठीक है, इसके डिटेल में अगर हम जाएंगे तो क्या होता है, जब इनको बनाया जाता है तो इनमें चार्ज पार्टिकल होते हैं, एंड दैट चार्ज पार्टिकल विल शो सम बिहेवियर। वो चार्ज पार्टिकल कुछ बिहेवियर शो करते हैं, या तो वो कंबाइंड हो रहे होते हैं या फिर दूर जा रहे होते हैं, उसकी वजह से इस तरह का बिहेवियर होता है। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ है ये बेसिकली बनी हुई है किसी सरफेस पे स्टिक होने के लिए, और ये स्टिक तभी होंगी जब इनके अंदर ऐसे पार्टिकल होंगे जो कि जिस सरफेस पर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं उससे बॉन्ड बना लें। तो दैट इज नथिंग बट अ चार्ज पार्टिकल। पेंट क्या है? पेंट अगर जिस सरफेस पे लगा उस पर चिपक जाए, इसलिए तो पेंट बनाया तुमने। लिपस्टिक क्या है? जिस सरफेस पे लगा उस चिपक नहीं चाहिए। प्रिंटरिंग क्या है? जहाँ कागज पे चिपक नहीं चाहिए। तो इनके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं, एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल ये इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। वो उतने डिटेल में जाने की हमारे को जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? अरे भाइयों, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? ओके, सो हमने न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ा। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम, हमने न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ा, हमने न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ा, हमने नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ा, रियोलॉजिकल फ्लूइड पढ़ा। रियोलॉजिकल फ्लूइड में अलग अलग तरह के फ्लूइड हमने यहाँ पर पढ़े हैं, सूडो प्लास्टिक, ड्विंगम प्लास्टिक, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, ये सब तरह के फ्लूइड हमने यहाँ पर पढ़े हैं। ठीक है, ओके क्रिप्टो। सो बेटा वी जस्ट कवर दिस टाइप ऑफ फ्लूइड, एंड नाउ लास्ट जो फ्लूइड होता है दैट इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। इसी को कहते हैं आइडियल फ्लूइड। लास्ट जो फ्लूड है दैट इज नोन एज आइडियल फ्लूड। अब आइडियल फ्लूड क्या होता है भाई? आइडियल फ्लूड कहीं से उठ के आ गया क्या? आइडियल फ्लूड क्या होता है भाई? आइडियल फ्लूड कहीं से उठ के नहीं आया। आइडियल फ्लूड का कहानी क्या है, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आपको कि बर्नौली इक्वेशन में जब हम लोग बर्नौली इक्वेशन ड्राइव करते हैं, तो बर्नौली इक्वेशन ड्राइव करते दौरान हम कुछ चीज़ों को हटाना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जो हमारे पास नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। एंड उनमें से जो अजम्पशंस होते हैं, वो अजम्पशन पहला होता है विस्कोसिटी को जीरो करने के लिए। विस्कोसिटी को जीरो करने के लिए हम बोलते हैं नॉन विस्कस फ्लूड, नॉन विस्कस फ्लूड। तो नेवियर स्टोक्स से सर्टेन इक्वेशन, जो सर्टेन चीज़ें हैं वो हट जाती हैं। इसका मतलब हम यहाँ हमारा मान लेते हैं म्यू इक्वल टू जीरो, नॉन विस्कस मतलब म्यू जीरो। सेकेंड चीज हम जो है यहाँ पर कंसीडर करते हैं, वो मानते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड। तो जब हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूड ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है? डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो जो डेंसिटी है वो डेरिवेशन से बाहर आ जाती है। विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी वाली टर्म सारी जीरो हो जाती है, शेयर स्ट्रेस वाली टर्म सारी जीरो हो जाती है, जिससे कि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन थोड़ा सा आपकी सिंपल हो जाती है। तो फिर आइडियल फ्लूड की यहाँ पर डेफिनेशन, तो ऐसा फ्लूड जो कि नॉन विस्कस हो, इनकम्प्रेसिबल हो, तो नॉन विस्कस, फिर यहाँ पर डेफिनेशन हम क्रिएट कर देते हैं कि नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूड, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूड फ्लूड
नोन एज आइडियल गुड। अब इसको आइडियल इसलिए कहा गया क्योंकि ऐसा फ्लो होना पॉसिबल नहीं है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूड तब होता है जब मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस बहुत कम हो। अब जब मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस बहुत कम होगा, इसका मतलब तो साफ है कि उनके अंदर बॉन्डिंग अच्छी है। पर स्पेस कब कम होगा, जब दूरियां कब कम होगी मॉलिक्यूल के बीच में, जब बॉन्डिंग अच्छी होगी। अब जब बॉन्डिंग ही नहीं है तो स्पेस ज़्यादा होगा, और स्पेस ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल ऑब्वियस ही बात है कंप्रेस तो किए जा सकते हैं। सो माई डियर फ्रेंड, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेस दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अगर विस्कोसिटी जीरो होती है, इसका मतलब साफ है कि बॉन्डिंग नहीं है। और अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूड हो रहा है, डेंसिटी कांस्टेंट हो रही है, इसका मतलब साफ है कि मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली पैक्ड है, और वो तभी हो सकता है जब बॉन्डिंग बहुत हाई हो। तो माय डियर फ्रेंड, दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम कहते हैं आइडियल फ्लूड। तो नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूड इज नोन एज आइडियल फ्लूड। तो अगर हम इसका कर्व बनाएं ऑन द विस्कोस शियर स्ट्रेस एंड डीयू बाई डीवाई के बीच में, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बीच में, तो ये कर्व कौन सा आएगा? दैट कर्व विल बी नथिंग बट, तो अगर मैं यहां पर कर्व बनाता हूं टियर शियर स्ट्रेस और डीयू बाई डीवाई के बीच में, तो ये कर्व क्या आएगा? क्योंकि यू तो जीरो है, तो टो इक्वल टू, अगर यहाँ कंडीशन भी रखोगे कि भाई टो इक्वल टू होता है म्यू डी यू बाई डी वाई, तो यहाँ पर म्यू तो जीरो है, और अगर म्यू जीरो है तो टो हमेशा क्या रहेगा? जीरो। सो वाट एवर द डी यू बाई डी वाई, म्यू टो इज ऑलवेज जीरो। सो द कर्व विल बी दिस, फ्लूड विल फॉलो दिस स्ट्रेट लाइन। तो ये फ्लूड जो है वो इस स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करेगा। तो इस स्ट्रेट लाइन पर जो फ्लूड होंगे दैट इज नोन एज आइडियल फ्लूड। इसका मतलब विदाउट एनी शेयर स्ट्रेस द फ्लूड विल कंटिन्यूअसली डिफॉर्म। तो दिस तरह आपके जो फ्लूड होंगे उनको हम कहेंगे आइडियल फ्लूड। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। दिस टाइप ऑफ फ्लूड बेसिकली नोन एज आइडियल फ्लूड। तो नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूड इज नोन एज आइडियल फ्लूड। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्रिप्टो। चलो क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो है। अगर सपोज हम एक बात करते हैं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन द फ्लूड इफ यू गेट सर्टेन डाटा, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन सर्टेन फ्लूड इफ यू गेट सर्टेन डाटा लाइक दिस। अगर हमने किसी फ्लूड पर एक्सपेरिमेंट किया और हमें कुछ डाटा मिल रहा है, उस डाटा को हम इस टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट डाटा ऑन दिस टेबल। वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन द सर्टेन फ्लूड एंड वी आर गेटिंग दिस डाटा ऑन दिस टेबल। तो दिस इज शियर स्ट्रेस एंड दिस इज डी यू बाई डी वाई। तो वी आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट ऑन सर्टेन फ्लूड एंड वी आर गेटिंग दिस डाटा। ओके, एंड इन दिस डाटा म्यू इज जीरो, टो इज जीरो एंड डी यू बाई डी वाई इज, ओके, टो इज वन एंड डी यू बाई डी वाई इज थ्रू, टो इज टू, डी यू बाई डी वाई इज फाइव, टो इज थ्री, डी वाई डी वाई इज नाइन, टो इज फोर, डी वाई डी वाई इज 50। बताइए कौन सा फ्लूड है। फाइंड द टाइप ऑफ ऑप्शन है ए डायलेटेड, बी सूडो प्लास्टिक, सी और डी बताइए। कमेंट में आंसर लिखिए फटाफट। आंसर क्या है इसका?
Anybody here to give me answer? Really? I will solve this question to you. देखिए आपको पता है कि अगर हमारा स्लोप बढ़ता जाएगा तो डायलेटेड, अगर स्लोप कम होता जाएगा तो आपका सूडोप्लास्टिक। तो सबसे पहले कंडीशन तो यह है कि बी टो इक्वल टू जीरो पे डी यू बाई डी वाई जीरो, इसका मतलब ये दो ही कैटेगरी होगी, तीन हो सकता है। पहली कंडीशन में अगर आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप जो होगा दैट इज इक्वल टू टो बाई वन, मतलब वाई बाई एक्स होता है तो वन बाई टू, कितना आ रहा है ये 0.5। दूसरी कंडीशन यही आपका अपरेंट विस्कोसिटी है, दैट इज नथिंग बट, दूसरी कंडीशन में अगर आप स्लोप निकालेंगे तो कितना आ रहा है 2/5, कितना हो गया आपका 0.4। इसी कंडीशन में आप स्लोप निकालेंगे अपरेंट 3/9, कितना हो रहा है 0.33, 3/9 तो 0.33 होता है, ओ सॉरी 1/3 तो 0.33। फिर आप अपरेंट विस्कोसिटी निकालेंगे दैट इज 4/15, अगेन वही सम कहानी, स्लोप कम होता जाएगा। इसका मतलब आप देख रहे हो स्लोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है, अपरेंट विस्कोसिटी कम होती जा रही है, और जब अपरेंट विस्कोसिटी कम होती जा रही है तो यहाँ पर कौन सा फ्लूड होगा, आंसर इज बी, यहाँ पर कौन सा फ्लूड होगा आपका सूडो प्लास्टिक फ्लूड, द विस्कोसिटी विल रिड्यूस। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई। कल हमारा लेक्चर नहीं रहेगा, कल की हमारी ऑफ रहेगा, बिकॉज कल और परसों मैं थोड़ा सा ट्रेवल कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दैट कल का हमारा ऑफ रहेगा। जो रेगुलर स्टूडेंट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सरफेस टेंशन और हम लोग कैपिलरी के बारे में। दो तीन दिन क्या है थोड़ा सा लेक्चर पर टाइम लेक्चर मतलब कंटिन्यूस नहीं रह पाएगा बिकॉज ऑफ सम एंगेजमेंट। ओके, इफ यू लाइक अवर लेक्चर प्लीज हिट द लाइक बटन, हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब अवर चैनल to get awesome lectures, apply Pathan code if you want to take a subscription and hit the bell icon for further notification. If you like my lecture very good, excellently, then you can comment on the YouTube, whatever you feel, and you can join our Telegram channel to get my PDF and notes. Thank you very much for today classes, and we will meet next to next day. Okay, kal aur parsu ki hamari chutti hai, बिकॉज कल और परसों मैंने बोला आपको मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दैट कल और परसों की हमारी छुट्टी है, सो वी विल मीट नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।